जो आई है तेरी पल के चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है Assalamualaikum, good morning Pakistan, एक खास good morning आपके लिए क्योंकि आज है साल का आखिरी दिन। वैसे आपस की बात है, इस साल ने हमें एहसास दिलाया कि वो जो आज़ादी वाला एलिमेंट है ना, वो क्या होता है। आज़ादी से सांस लेना, आज़ादी से खाना खाने जाना, आज़ादी से खुशियाँ मनाना, आज़ादी से सिनेमा जाना, ये इन सारी बातों का एहसास हमें इस साल हुआ क्योंकि जो पिछले साल हमने कैद में गुजारी है इस कोरोना की वजह से पिछले साल, उससे हमें इस साल काफ़ी हद तक छुटकारा मिला एंड थैंक्स टू वैक्सीनेशंस। और वो जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जब उसने गवर्नमेंट की सुनी और वैक्सीन लगाई और वो जो उड़ी उड़ाई बातें थी कि वैक्सीन ना लगाना मर जाओगे, फलाना हो जाएगा, शुक्र है कि उनको दर गुजर करके लोगों ने वैक्सीन लगाई और देखिए हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। हाँ ठीक है, आएंगे तूफान, आया है ये वेरिएंट, इससे भी हम मुकाबला कर लेंगे क्योंकि हमने इकट्ठा होकर मुकाबला किया पिछले वेरिएंट्स का। और साथ साथ जब हम कमरे में बंद होते थे, जब हम कैद में होते थे, घर में होते थे, हमें इस बात का एहसास होता था हाँ भाई कितना गुजार लेंगे यार, मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देख देख के बोर हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, डिवोर्स रेट्स बढ़ गए थे। सो पिछले साल जब लोगों ने खुशियाँ मनाई, जब लोग कम गैदरिंग में भी मिले, एक दूसरे से मिलना कितना ज़रूरी है, एक दूसरे का साथ कितना ज़रूरी है, इस बात का एहसास हमें हुआ। और बहुत सारे दोस्त जिनसे हम हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे, उनसे मिलकर ये एहसास हुआ कि ये हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी जो तन्हाई है उसको पूरा करते हैं। सो आज इस साल के आखिरी दिन मैं आपसे कुछ खुशी की बातें शेयर करना चाहूँगी, कुछ खुशी के पैकेजेस दिखाना चाहूँगी। हमारे यहाँ बहुत लोगों ने इस साल खुशियाँ मनाई, उनको मौका मिला रमज़ान के बाद से जब पाबंदी हटी शादियाँ सेलिब्रेट करने की, दिल से मनाने की। सो सब लोगों ने अपने अपने तौर पर अपने बच्चों की जो शादियों की डेट थी, जो उनकी पिछले सालों से अटकी हुई थी, वो उन्होंने जल्दी जल्दी शादियां रख दी, एकदम खाने वालों केटरिंग वालों की लैया लैया हो गई, जो हॉल वाले थे उन्होंने वो जो इतने अरसे तक नहीं कमाया उनके पास जगह नहीं थी। और इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं अपनी फैमिली के साथ अपने भाई की शादी की तैयारियों के लिए या उसकी बुकिंग्स के लिए गई, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ये दिन भी नहीं है, वो भी दिन नहीं। तो मुझे इतनी खुशी हुई है सुनकर, मुझे दुख नहीं हो रहा था, मुझे खुशी हो रही थी कि ना वीकडेज़ में जगह है ना वीकेंड्स पे जगह है, लोग खुशियाँ मनाने में इतने मशगूल हैं कि उन्होंने बस जल्दी 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 अपनी खुशियों की तारीखें तय कर ली। आइए ना सेलिब्रिटी जिन्होंने इस वक्त से फ़ायदा उठाया जैसे ही पाबंदी हटी और उन्होंने अपनी खुशियां मनाना शुरू की। बड़ा मज़ा आया इन सब की वीडियोस देखकर, इनकी शादियों को अटेंड करके बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। साथ साथ वो कपल जिन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली को 2020 में जिन्होंने शादियां की, उन्होंने अपनी इमीडिएट फैमिली को जमा किया था और वो वाले लश्कारे जो हम अपनी शादियों में मनाते रहे, बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना वो नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो खुश थे। मगर उनको भी मौका मिला कि अब उनकी बच्चों की इस दुनिया में आमद को वो अपने दोस्तों के साथ उन खुशियों को बांट सकें। तो सारा और फलक ने अपनी बेटी का अकीका किया और अपने दोस्तों को इन्वाइट किया। सो कितना फ़र्क होता है ना कल और आज में, है ना। उसी तरह अवार्ड्स जो सेलिब्रेशन होती थी, हर कोई जाता था अवार्ड रिसीव करने, मैं हैरान कि 3 अवार्ड्स जो पाकिस्तान से बाहर हुए वो एक के बाद एक सेलिब्रिटीज़ ने बड़ा एक साथ ट्रैवल करके इन्जॉय किया। वहाँ जिनको अवार्ड्स नहीं भी मिले उनको भी मुबारकबाद, लेकिन जिनको नहीं भी मिले उन्होंने भी बहुत मज़ा किया एक साथ, क्योंकि इतने दिनों बाद ट्रैवलिंग एक साथ करने का जो मौका मिला।
आई थिंक ये सारी पूरी शोरील देखकर आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमारा ये पिछला साल पिछले साल से कितना मुख्तलिफ था, है ना? यानी हमेशा आज और कल में फर्क होता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगियों में कल और आज बिल्कुल सेम है, बल्कि उनका आज और बेहतर होता चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ शो हम आज साल के आखिरी दिन आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कल भी और आज भी क्या होने वाला है आज के शो में, आइए थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम आपको बताते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो या अल्लाह ताला। एक दुआ हमारी ये है कि ये जो अब वेरिएंट दोबारा वापस आया है, हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है, इससे लड़ने की ताकत हम सबको मिलकर दे। आमीन सुमामीन। और इंशाल्लाह आने वाला नया साल भी इसी तरह हम आजादी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें एडवांस भी दे दूं ना, क्योंकि रात में आपने सेलिब्रेशन शुरू करनी है। हम आपकी सेलिब्रेशन में चार चांद लगाने के लिए आज कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को बुला रहे हैं जिनको देखकर ना आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट आ जाती है, चाहे वो उनके टैलेंट की वजह से हो, चाहे वो ओवरऑल उनकी पर्सोना की वजह से हो। वैसे मेरे प्रोग्राम का आज टॉपिक है कल भी और आज भी, और आज कुछ ऐसे नया टैलेंट आया जिन्होंने आते ही हैरान कर दिया, चाहे वो उनकी एक्टिंग के गुर हों, चाहे वो उनकी डांस स्टेप्स हों, उनके पहनने ओढ़ने का सलीका हो। सो हम सब हैरान रह गए देख के कि वाओ, ये आज ये हम जो थे कल के लोग, हम तो बहुत सालों बाद जाके ग्रूम होते थे, लेकिन जो आज हमें मिल रहे हैं, खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से आपके ड्रामे सज रहे हैं, ये तो आए ही ग्रूम्ड हैं। सो आइए, पहला जो मैं अपना गेस्ट बुला रही हूँ, उनको उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैंने सोचा कि उनके लिए सारी चीज़ें इकट्ठा कर आपसे शेयर करती हूँ उनका पैकेज, फिर मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी। आइए, एक नया टैलेंटेड चेहरा जो आजकल ड्रामों में एंड फिल्म भी उनकी आने वाली है, छाया हुआ है, उनका पैकेज चल के देखते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा, डायरेक्टर और राइटर के एंट्री देने वाली आज की सुपरस्टार आज हर सुपरहिट ड्रामा में देखी जा सकती है। टीवी इंडस्ट्री में आपने चश्मे नम नामी ड्रामे से एंट्री दी, जिसमें डायरेक्टर के फराइज भी आपने खुद सर अंजाम दिए, जिसके बाद आप बदगुमान, बेलापुर की डायन, घुगी, उस्तानी जी, कयामत, बद्दुआ जैसे सुपरहिट ड्रामास में देखी गईं। आपकी एक अदद फिल्म दम मस्सम भी बहुत जल्द स्क्रीन्स की जीनत बनने वाली है, जो आप ही की जानिब से लिखी गई है। सो आइए वेलकम करते हैं आपकी और मेरी फेवरेट अमर खान। Assalamualaikum. How are you? Happy New Year in advance. आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल की भाई। और ये एक नया ट्रेंड बन गया है आज रात की ड्रेसिंग के लिए, कि अगर आपको वेस्टर्न पहनना है साथ आप एक मजेदार जो है ट्रेडिशनल सा एक हार पहन लें। So you compliment both the looks. Yes, वो हमेशा जब भी आप आती हैं कुछ डिफरेंट ड्रेसिंग करती हैं, जिससे आप आइडियाज दे देती हैं बहुत सारी लड़कियों को। थैंक यू सो मच निदा, एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक ऑलवेज। थैंक यू। सो अमर, आज हमारा कॉन्सेप्ट है कल भी और आज भी, और वो लोगों को पता चलेगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं। अच्छा, है ना? और जो पिछला साल गुजरा है वो मैं अभी सबको यही कह रही थी कि वो काफ़ी बेहतर था पिछले से पिछले, यानी 2021 से बेहतर था, 20 से बेहतर था। बिल्कुल बिल्कुल। सो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कितनी आज़ादी महसूस हुई पिछले 2020 में? तो हम बंद हो गए। हाँ, वो अल्लाह ताला की एक स्लैप आई हमारे मुंह पे कि जो इतनी तेज दौड़ रहे हो और भूल गए हो कि एक्चुअली कंट्रोलर ऊपर से सब मैनेज कर रहा है, तो पॉज कर लो अपनी जिंदगियों को और थोड़ी सी तौबा कर लो, थोड़ी सी एक अपने में जो बेहतरियां ला सकते वो ले आओ। एंड आई थिंक 2021 नाउ वी आर बैक, माशाल्लाह। जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रही थी, फिल्म्स आर बैक, बड़े अच्छे ड्रामास, हमारी एआईवाई की स्क्रीन पे बहुत अच्छे ड्रामास आ रहे हैं, और इंडस्ट्री एक बार फिर पुरजोश तरीके से जो है एंटरटेन ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी है। सो व्हाट बेटर देन दैट? वाओ, जबरदस्त। सो
हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है आज भी और कल भी, सो आज की एक और पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत जल्दी आके अपना नाम बनाया अपने टैलेंट की मदद से, अपनी लुक्स की मदद से और अपने अच्छे ड्रामों की सिलेक्शन की मदद से। ये भी एक बहुत बिल्कुल आर्ट है, हर किसी को नहीं आता कि अच्छा ये ड्रामा सेलेक्ट करो, चलो जी इसकी भी रेटिंग आ गई, उसकी भी रेटिंग। सो अब जो मैं नेक्स्ट पर्सनालिटी बुला रही हूँ उनके बारे में मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने आपको दिखाना है, आइए चल के देखते हैं। कमोबेश 4 साल कबल मीडिया इंडस्ट्री में इन होने वाली अदाकारा नाजिश जहांगीर देखते ही देखते अपनी मुनफरिद अदाकारी की वजह से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गईं। आपने थिएटर में अदाकारी करके टीवी की दुनिया में कदम रखा। आपके मशहूर ड्रामाज में भरोसा, अलिफ अल्लाह और इंसान, कहीं दीप जले, शराब, मकाफात, घमंडी और बेरुखी जैसे नाम शामिल हैं। इसी के साथ साथ आप एक फीचर फिल्म लफंगे में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। जी, सो ये खूबसूरत चेहरा आप ड्रामों में नहीं बल्कि आज हमारे शो पे सुबह सुबह देख सकेंगे। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड नाजिश जहांगीर। आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक। तो एक साल और इंडस्ट्री में नाजिश का बढ़ रहा है नाजिश, अब नए साल की जो होते ना सोच होती है किसी की, इस साल मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, अब हमें ये सोचने का मौका मिल रहा है। सो नाजिश क्या सोच रही है? मजीद अच्छा काम करना है। अच्छा काम करना है, अब समझ भी आ गई होगी। अब समझ भी आ गई, जैसे अमर ने कहा कि ये साल मजीद बेहतर हो सकता है, जैसे 21 हमारे लिए काफी हद तक अच्छा हो चुका था। बिल्कुल, तो दुआएं यही है कि 2022 भी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत बेहतर रहेगा। सो नाजिश ने कुछ सोचा हुआ है अपनी जिंदगी के लिए? बंदा सोचता ना इस साल मैंने ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है। सो नाजिश, अब जो पिछले साल पैसे जमा किए उससे अगले साल क्या खरीदना है, तय किया हुआ कुछ नहीं? ऐसे कुछ तय नहीं किया हुआ, ये स्पॉन्टेनियस है मेरा। हाँ, जब दिल चाहे खरीद लो आप कुछ भी। हाँ, सो तुम इतने पैसे उड़ाने वाली लड़की नहीं? इतने नहीं। हाँ, इतने नहीं। तो दो समझदार खवातीन हमारे पास है। मैं नहीं हूँ, मैं बहुत उड़ाने वाली। बिल्कुल उड़ाने वाली नहीं। अच्छा, हाँ मैं अब नहीं उड़ाती। अब समझ आ गई। अब समझ आ गई, कोरोना में बहुत सारे लोगों को समझ आ गई। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और अब हम चलते हैं आज भी और कल भी, यानी कि जो लोग बदलते ही नहीं, मतलब कि आप हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये हमारे साथ भी शायद ड्रामों में आए हैं और इनके साथ भी ड्रामों में आए हूँ। हाँ, मेरे साथ एक ड्रामा किया था और इनके साथ भी ड्रामों में आ रहे हैं, और आप आगे आने वाली लड़कियां जो नई नई लड़कियां आएंगी कि उनके साथ भी ड्रामों में आते रहेंगे। सो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसा टैलेंटेड शख्स जो होस्ट भी है, जो एक्टर भी है, जो प्रोड्यूसर भी है, जो डायरेक्शन भी कर चुका है, डांस भी बहुत अच्छा करता है, फिल्मों में भी काम कर चुका है। उसके बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ वो है यहाँ स्क्रीन पे एक पैकेज के थ्रू, देखिए जरा। फैसल कुरैशी, पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में आने वाला एक ऐसा नाम जो सालों से काम कर रहा है और सदियों याद रखा जाएगा। आप एक बेहतरीन अदाकार, प्रोड्यूसर, हिदायतकार, टीवी होस्ट और डायरेक्टर भी हैं। सन 1984 में अपने करियर का आगाज किया और एक छोटे से रोल से एंटर होने वाला यह अदाकार जल्द ही मीडिया इंडस्ट्री का हीरो बन गया। आप कमोबेश 20 से ज्यादा अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। आपने ड्रामास के साथ साथ फिल्म्स में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। आपके बेहतरीन और यादगार ड्रामास में बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, उमराव जानदा, मनो सलवा, कैदे तन्हाई, इश्क इबादत, तिकोन, अभी अभी, हाले दिल, आखिरी बारिश, जख्म, लोग क्या कहेंगे और दीगर बहुत से नाम शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं आपके और हमारे सबके बहुत अच्छे दोस्त फैसल कुरैशी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे मर्दों के आने पे लड़कियां नहीं खड़ी होती। नहीं, पर सीनियर्स की रिस्पेक्ट में तो खड़ी होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मतलब इनको जब भी देखा जाता है तो होता है अच्छा जी अपने आप को और कम कर ले, अपने आप को और कम कर ले। सो ये राज है आपका, सारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हीरो बनने का अंदाजा नहीं था, हो गया है। सो आपको क्या लगता है कि अब जो पिछले से पिछला साल था और जो पिछला साल गुजरा है उसमें आपने कितना चेंज महसूस किया अपने अंदर? बहुत सारी चेंजेस हैं, बिकॉज 2020 एक तो खैर काफ़ी पेनफुल रहा सबके लिए,
और हम सब ने काफ़ी तकलीफ़ें देखी, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी, लॉकडाउन रहा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि वो फरमान की आमद हो गई थी जनवरी में, तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, पूरा कोरोना का टाइम है 2020 का, हाँ वो मेरा उसके साथ बहुत गुजरा, और फिर ऑब्वियसली जब आपको थोड़ा सा मौका पहले नहीं मिला कभी, क्योंकि वो जाहिर है इतनी बिजी रहने की वजह से, लेकिन ये कि उसके अलावा आपको एक अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम कोशिश ये करते हैं कि हर चीज में पॉजिटिविटी देखें, बिल्कुल, तो उसमें एक मौका ये मिला कि आपको एक आइसोलेशन मिली जिसमें आप ये रियलाइज करते हैं कि अच्छा क्या क्या गलतियाँ आप कर चुके हैं, क्या क्या बेहतरी आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस अरसे में बहुत कुछ पढ़ा भी, देखा भी, कुछ चीज़ें फॉलो भी की, तो ऑब्वियसली एक लर्निंग प्रोसेस था, पूरा लर्निंग प्रोसेस तो था, लेकिन आज़ादी की जो एक्चुअल मायने है ना वो हमें अब पता चले, आज़ादी होती क्या है, एक जो एक ह्यूमन कनेक्शन होता है, ऑब्वियसली जब आप उससे दूर होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि रिलेशंस क्या हैं, दोस्तियाँ क्या हैं, रिश्तेदारियाँ क्या हैं, तो वो उस अरसे में उस चीज़ का भी बड़ा एहसास हुआ, बिकॉज आपके अपने आप उनसे मिल नहीं सकते, आप उनको देख नहीं सकते, सो वो भी एक एक प्रॉब्लम रहा, और थोड़ी सी जो है वो नफसा नफसी भी देखी लोगों के बीच में, कि हर किसी का ये दिल कर रहा था कि भाई वो किसी तरह से अपनी बाजी मार ले, पर ये कि अल्लाह का शुक्र है, कि वो टाइम गुजर गया, आप तैयार रहे नए साल के लिए, क्या नए साल में उम्मीदें हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब हमने आप लोगों से पूछना है। आपने इन दोनों के साथ काम किया है? नहीं, इत्तेफाक है, मैंने अमर और नाजिश के साथ अभी तक कोई सीरियल नहीं किया, तो देखते हैं भाई आगे, क्या पता अगले साल कोई प्लानिंग निकल आए। सो एक और हमारे गेस्ट, प्लीज आप, अरे छोड़े क्या बुलाएंगे, अरे क्या करूँ उनके बगैर रह भी नहीं सकते, अल्लाह आइए आइए। सो एक और हमारे गेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कल भी और आज भी, मेरे लिए तो खैर वो कल भी आज भी हमेशा ही रहने वाले हैं, लेकिन कहना मैं चाहूँगी कि एज एक्टर अपनी ज़िंदगी के करियर का आगाज़ किया, एक्टिंग के बाद डायरेक्शन को अपना करियर बना लिया, थाम लिया, उसके बाद हम सब लड़ते रहे, झगड़ते रहे कि एक्टिंग क्यों छोड़ो, एक्टिंग नहीं करो, एक्टिंग मत छोड़ो, मगर वो डायरेक्शन में अपना कदम जब पूरा पक्का जमा लिया, उसके बाद फिर दोबारा एक्टिंग की तरफ वापस आए, वजन घटता बढ़ता चला गया, लेकिन आज भी यंग से यंग लड़की के साथ आते हैं जी ड्रामों में, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, लड़कियों की जो यंग लड़कियाँ हैं उनके तो हीरो हैं, मेरे भी हीरो हैं, आइए चल के दिखाते हैं उनका पैकेज। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में बतौर हिदायतकार, अदाकार, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर अपना नाम बनाने वाले यासिर नवाज यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप 90 की दिहाई से मीडिया इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं, आपने अदाकार की हैसियत से काम का आगाज किया और डायरेक्टर की हैसियत से भी जल्द ही अपना लोहा मनवा लिया। आपके यादगार ड्रामों में बदलते मौसम, पीला जोड़ा, नादानिया, हम तुम, उड़ान, सात पर्दों में, मलाइका और कई मजीद नाम शामिल हैं। जबकि आपकी फिल्म में रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर टू, मेहरुनिसा, वी लव यू शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं कल भी और आज भी यासिर नवाज। हाय हाय, सलामुअलैकुम यार, लड़कों की तरह आए ना जरा यार, ब्रो यार, ये लड़कों की तरह नहीं, यार मैं तो अपने आप को लड़का ही तसव्वुर, आप क्यों भाई प्लीज, पैसा सीनियर है समझ में आता है, मैं थोड़ी सीनियर उतना, तुम भी इनसे तो सीनियर हो भाई, मैं नहीं की एज का यार, मैं चाह रहा हूँ आप साइड में बीच में बैठू, मैं सारे यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं आगे, आपकी बेगम भी आज इस शो की होस्ट है, ये आप मिस कर रहे हैं, ये नहीं भूले आप, हम मैं आर्टिस्ट कैसे, मेरा भी नंबर इधर ही आएगा, बहन मैं आर्टिस्ट कैसे से बात कर रहा हूँ, आप भी ना समझे साला साहब, क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, मैं बस, तो नए साल में आपने अपना अपने अंदर चेंज ये लाया कि आपने मूछें खड़ी कर ली हैं सारी, मतलब हाँ यार ये मूछें मुझे सूट ही नहीं करती, कुछ संभालना पड़ता है इसको, नहीं किसी का आपको सूट नहीं करती, नहीं मुझे नहीं चलती, आई डोंट नो, नॉर्मली बेगमात मना करती है मूछें रखने, नहीं भाई मैं नहीं मना करती, आपको क्या लगा 2020 और 2021 में फर्क क्या लगा? मैंने तो सच बताऊं 2021 में घर में जो एंजॉय किया था ना मैंने, 21 नहीं 20 में एंजॉय किया था, लेकिन मैं
2021 में बहुत काम किया हमने यार, चक्कर फिल्म की, एक्टिंग सीरियल, सीरियल में एक्टिंग की, फिल्म लिखवाई, आंखें आई हुई आपकी, चश्मा क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे मजे का रहा की रेस्टोरेंट अपना जो फॉरेस्ट वहाँ पे जी रहा, फिर काम तो कम किया, बहुत ज्यादा काम नहीं किया फिल्म की चक्कर, पोस्ट एडिट, तो ड्रामे में एक्टिंग भी तो की अभी भी कर रहे हो। मुझे डायरेक्शन के बाद ना एक्टिंग कहते हैं हलवा, वो जाओ आराम से, लोकेशन वाला तंग कर रहा है, करने दो, लाइट नहीं आ रही, मसले हो रहे, करने दो, खाना लेट पहुंचा, टेस्ट अच्छा नहीं, होने दो। एक्टर में बड़े मजे, डायरेक्टर तो ऐसा होता है यहाँ पर, लेबर मजदूर नहीं होता जिस तरह। तो मैंने एक्टिंग को तो एंजॉय किया और बस अब आगे भी एक्टिंग चल रही है और डायरेक्शन भी चल रही है। और अगले साल क्या सोचा है आपने, अगले साल क्या करना है? अगले साल मूवी करनी है और सिंधी मूवी करनी है। अरे वाह, जबरदस्त यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैंने अभी जो सिंध कल्चर डे था उसमें भी एक अनाउंसमेंट की थी, अपने एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो मुझे अब सिंधी फिल्म करनी है, तो मेरा दिल है कि मैं एक सिंधी फिल्म करूं। ओके, इंशाल्लाह मेरा मूड है। तो ऑडिशन जो होगा, जितनी भी लड़कियां ड्रामों में आती हैं वो सब सिंधी अब सीखे क्या? ऑडिशन इस तरह होगा? नहीं, सिंधी आर्टिस्ट अच्छे हैं बहुत सारे, तो वो सिंधी जो आती होगी वो आएंगे, और बस ये है प्लान। अगले साल आइए, बैठिए बैठिए, तकलीफ रखिए, ठीक है, बैठो भाई। ओके, आओ ना लड़के। हाँ यार, कैसे हैं आप? एज इज जस्ट अ नंबर, जो आप दिखते हैं वो ही आप नजर आते हैं। ये तो पूरी दुनिया में ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा है। अच्छा भाई, तुम लोगों से सवाल कुछ मुझे करने हैं। एक तो ये कि जैसे मैंने पूछा कि अगर नाजिश को और अमर को मौका मिले इस साल पैसे खर्च करने का, तो वो किस जगह करें? इस साल के सवाल, जो आने वाला सवाल है, साल है 2022 में। नाजिश आप बताएं। जैसे मैं अपना जवाब देती हूँ, मैं तो ट्रैवलिंग पे खर्च करूँगी अगर चीज़ें बंद नहीं हुई है, वो मैं तो अपने पैसे कैप कर लूँ। शायद सेम ईयर, हाँ, बहुत अरसा हो गया ट्रैवल किए हुए, तो शायद मैं भी ट्रैवलिंग पे ही करूँ, और कुछ है। अच्छा, मैंने ये पिछले महीने भी ट्रैवलिंग पे बहुत पैसा खर्च कर दिया, तो अब मुझे और पैसा कमाना है एक्चुअली। तो एक रेजोल्यूशन तो ये है कि 2022 में और पैसा आना चाहिए, कमाना चाहिए। दूसरा, मुझे ये लगता है कि क्योंकि फिल्म आने वाली है, तो उसकी प्रमोशन मैंने काफ़ी लुक्स अपनी सोची हुई है जो मुझे बनानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी मेरे पैसे काफ़ी निकल जाएंगे। आप दोनों क्या सोचते हैं भाई कि आप लोगों ने 2022 कहना अजीब सा लग रहा है कि क्या खरीदना है फैसल, नई चीज क्या खरीदनी है, क्या सोचा भाई? खरीदना कुछ काम किया इस साल? हाँ, काम तो बहुत किया माशाल्लाह इस साल। एक दो सीरियल आ गए थे 2021 में, अभी 2022 तक फॉलो होगा एक तो। लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आया हूँ। अच्छा, तो वो परफ्यूम की तरफ आया हूँ, बाकी और चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, तो मेरी कोशिश ये है कि इस साल ट्रैवलिंग तो रहती है मेरी, बट ये है कि उसके साथ थोड़ा सा बिजनेस पे ज्यादा फोकस है 2022। मतलब आप और अमर जो हैं वो इस वक्त कमाई की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मेरी फिल्म बीच में है, मैं वो कम्प्लीट करूँगा। हाँ, ये 2022 में ये करना है। आपने क्या करना है? मुझे कोई डायमंड के सेट दिला दो, कुछ जेवर। मैंने तो फिल्म का सोचा हुआ, जैसे बताया मैंने। हाँ। लेकिन मैंने अब सोचा है, पहले कभी नहीं सोचता था कि मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी लूँ जो बुढ़ापे में मेरे काम आए। क्या मतलब, आप क्या चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ ऐसी प्राइम जगह पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो मैं किराया सुनता हूँ 8 लाख रेंट, 15 लाख रेंट, 20 लाख रेंट। मैं तो बड़े मजे का काम है, तो मेरे 2-3 दोस्तों ने किया हुआ ऐसा। मगर अब मैंने तो कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं। बीवी के नाम ले रहे हो आप? मैंने बीवी के नाम लेने का सोचा। दूसरी की बात है, दूसरी बीवी होगी उसके नाम सोचा, उसके साथ कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा हुआ कि मैं कोई प्रॉपर्टी लूंगा ऐसी जिसको मैं रेंट पे दे सकूँ, और जब बुढ़ापे मेरे काम आए। मैंने ये सोचा हुआ, पहले कभी टारगेट नहीं बनाया था। अच्छा, ये आइडिया मेरे माइंड में भी आया था। हाँ। इस बार ये जिस तरह से कह रहे हैं ना, रेंट बहुत ज्यादा रेंट। अरे 15-15 लाख नहीं तो क्या, जिस घर में अभी रहते हो वो क्या, देखो क्या कोई गलत किराएदार ना घुस जाए। नहीं, रेंट किराए पे देना है। अच्छा, हाँ। पता लगे बाद में निकल ही नहीं रहा। नहीं, मैं बस बैंक को दूंगा किसी। ये इनकी जो है ना फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत हंगामा, बहुत मस्ती जो है वो आपके लिए खास तौर पे सजाई हुई है। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको एडवांस में Happy New Year!
वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको एडवांस पे नया साल मुबारक। हमारे पास आज फैसल कुरैशी, यासिर नवाज, अमर खान एंड नाजिश जहांगीर मौजूद है, ताकि आपकी जरा सुबह सुबह ही न्यू ईयर लगे ना। वो जो क्या होता है रात में, आतिशबाजी होती है, लाइटें होती हैं, तो यहाँ पे ज़रा रौनक लगनी चाहिए आज के शो में, और इसीलिए इन चारों को हमने बुलाया है। मस्के मार दो जरा। नहीं फैसल, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था आदि आवाम तो बहुत देर से उठेगी। हाँ क्यों, इस सोच में चले गए? 31st है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कल देर से उठेगी ना। हाँ, हम लंदन गए स्पेशली न्यू ईयर मनाने, यार न्यू ईयर मनाएंगे, तो हम पहुँचे वहाँ, तो खैर हम 22-25 को पहुँचे थे, तो वहाँ लोकल दोस्त मेरा वहाँ रहता है, वही नाम है, वही सब देख रहे होंगे वो, तो कह यार कहाँ पागल हो गए तुम, न्यू ईयर मनाने जाओगे, बच्चे साथ हैं वहाँ, हो हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, बड़े मसले होते हैं ना जो। अच्छा, वो खुद मौलाना टाइप के ना, नमाजी टाइप के लोग। अच्छा, मैं डरा दिया यार, बच्चे बाकी तो छोटे हमारे और हुल्लड़बाजी होती है और वही होता है, तो मैं नहीं जाते यार, छोड़ दे यार, बच्चे साथ हैं और लोग नहीं जाते, छोड़ दो। फिर हम अपने होटल में बैठे हुए हैं। अच्छा, सर्दियों में बाहर रात जल्दी हो जाती है, सब 4 बज गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम बैठे हो गए, अब टाइम गुजर नहीं आराम से। तो मैंने जाओ मैंने कहा हम लंदन आए न्यू ईयर मनाने, वो तो यहाँ रहता है, तो हम क्यों नहीं जा रहे यार, हमें तो जाना चाहिए न्यू ईयर मनाने के लिए, और बच्चे साथ हैं तो संभालेंगे बच्चों को। फिर मैंने कहा चलो उठो, चलो 11 बजे हम निकले हम लोग ना, मैं और निदा बच्चे। अच्छा, वो 3 स्टेशन पहले उन्होंने बंद कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हम आगे नहीं जा सकते, और रुको। अब ट्रेन रुकी, हम बाहर निकले, साथ वाला डोर खुला, वहाँ से मारा पीट चल रही है, लोग मार रहे हैं दूसरे, खूनम खून हो रहा है। अरे मैं घबरा गया, मैं कहने था पकड़, वो सही कह रहा था यार। लेकिन खैर हमने बनाया, लेकिन सिर्फ धुएं देखे हमने, आतिशबाजी कहाँ थी नजर नहीं आई, सिर्फ धुएं नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ हो रही, नहीं यहाँ हो रही आतिशबाजी। आपके साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है? हम लोग नए साल का टर्की गए न्यू ईयर्स करने, 2018 से 2019। अच्छा, तो बड़ी प्लानिंग वगैरह करके, बिकॉज वो एक आयत छुट्टी थी थोड़ी, तो उसको इतने बजे नैप भी करवाना है, फिर उसके बाद तो हमने पूरा प्लान किया कि हम घूम फिर के 6 बजे आके सो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम 9 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके 10 बजे निकलेंगे, ताकि हम न्यू ईयर इन्जॉय कर सकें। सो हमने एग्जैक्टली हम उस प्लान पे थे, हम 10 बजे उठे, 9 बजे उठे, फ्रेश वगैरह होके निकले, जाके तकसीम पे हमने डिनर किया, और करने के बाद हम आके खड़े हो गए, आपकी बहन भी थी हमारे साथ, सवेरा वहाँ मिल गई हमें। अच्छा, वो भी आ गई, हम सारे वहाँ खड़े हुए, आप वेट हो रहा है, 12 बज गए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सारे ऊपर देख रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और खड़े हुए कुछ भी नहीं, कुछ आयत मेरी आयत मेरे कंधे में बैठी हुई है, बिकॉज वो उससे 1.5 साल पहले एक छोटा इवेंट हो गया था टर्की में, तो वो उसकी वजह से उन्होंने सब रोक दिया, एक शुरली चली है जाके ठुस, और उसके बाद कुछ नहीं, और आयत ने जो रोना शुरू किया है, where is Baba, there is no Baba, Baba you lied to me, मैंने कहा I didn't lie to you बेटा, actually they lied to us, वो एक एक शुगल था वो, दुबई में पता है मर्सन जो हम न्यू ईयर हम बुर्ज खलीफा से पहले करीब होटल था, एक या दो स्टेशन से गए, वो था, हमने खास तौर पे बुर्ज खलीफा के सामने होटल लिया, बुक कराया कि हाँ और आतिशबाजी देखेंगे, ये होता है फलाना। अच्छा, नहीं, एड्रेस में आग लग गई थी? नहीं, 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 उस वक्त उस दिन उस वक्त आतिशबाजी नहीं हुई, लेजर लाइट हुई जो करीब से नजर आती है। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2016 है मेरे ख्याल से, ये हां इस पे मैं भी, हम लोग इस वाली चीज पे, मैं अपनी छत से कुछ नजर नहीं आया इस वाली चीज पे। नहीं, उसके बाद पहले क्या हुआ था कि हम नगर निदा टैक्सी पकड़े, ट्रैफिक ज्यादा, रश ज्यादा, ट्रेन में चलते हैं, ये दो स्टेशन के बाद ट्रेन है, मुश्किली हुआ है, मैं ठीक है, अब रश हमें दरी में, तो हम दुबई की ट्रेन में बैठे जो लोकल ट्रेन होती है इनकी, वो पाकिस्तान कर कर पहुंच, रश लगा हुआ था, मैं अंदर चला गया, नहीं पीछे रश भी रहेगी ना, और डोर बंद हो गया, डोर क्लोज हो गया, अरे बीवी बाहर, मैं शायद बता रहा हूँ अगले स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ, ट्रेन गई उस स्टेशन में, रुकी नहीं, आगे चली गई। मैं कहा ये क्या हो गया, बोला नहीं वो यार मैं रोने वाली हो गई, निदा वापस आई, मैं फिर वापस आया, उससे 12:30-11 बज गए थे ना, तो मैं घर ही जाता हूँ, मैं यहाँ से कुछ ढूंढ रही हूँ कहीं मिल जाए, मैंने कहा मैं इतनी ख्वार क्यों हो रही हूँ, बहुत वाकया। तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी
एक तो यही अच्छा मैं ज्यादा वो नहीं हूँ, क्राउड वाली नहीं हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाके देखने का ऐसा तो। लेकिन एक दफा इत्तेफाक ही दुबई वाला हो गया, जो पहला एक्सपीरियंस था वर्स्ट एक्सपीरियंस लेजर वाला। दूसरा मेरे अब्बा जी की बर्थडे होती है 31st नाइन, तो हमारी दो सेलिब्रेशन होती है, तो वो सालों से घर में ही होती है, वो गुजरता ही उनके साथ है। सो हैप्पी बर्थडे अब्बा जी। अच्छा मैं न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट नहीं करती। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा साल अगला स्टार्ट होने जा रहा है ना, वो बड़ा सुकून, तो मैं घर में रहती हूँ, मैं कोई मूवी देखती हूँ, अच्छी मील लेती हूँ। इसलिए 5-6 साल से मुझे नहीं याद अगर मैंने कोई भी न्यू ईयर नाइट बाहर जाके सेलिब्रेट किया। अच्छा। दूसरा मुझे ये थोड़ा डर, मेरा दिल बंद हो जाता है जब पटाखे बजना स्टार्ट होते हैं, और हमारे मुल्क में तो जो ढोलकी बम और ढोलकी बम और दैट इज सो स्केरी। एंजॉय करने के और बहुत सारे तरीके, देखिए हम सुबह सुबह एंजॉय करें बगैर हवाई फायरिंग के। आइए एंजॉयमेंट शुरू करते हैं, मुंह से करें फायरिंग। आइए चले हम आपको सुबह सुबह एंजॉय कराते हैं, छोड़े आप रात की एंजॉयमेंट। आइए जी, यहाँ ये पार्टी है लड़कियों की, यहाँ ये पार्टी है लड़कों की। या थैंक यू भाभी, लड़का बोला मैं। आपका तोहफा डन है, हमारे लिए लड़के ही हैं, सबके लिए लड़के हैं। थैंक यू, तोहफा डन है। चलें जी बताएं क्या शोबिस। शोबिस ओके, पहला सवाल, हाल ही में किसी सेलिब्रिटी ने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी नानी की वफात की खबर शेयर की थी, कौन थी वो सेलिब्रिटी? अच्छा नानी की। अगर 5 सेकंड्स तक आपने जवाब नहीं दिया तो मैं उधर। माहिरा, बिल्कुल सही जवाब, जाइए और अपना कुछ भी अल्फाबेट यूज कर लीजिए। हम से शुरू करें। ओके आप र से शुरू करें। जी बताइए क्या चूज करना है? शोबिज ऑब्वियसली, शोबिज ओके ओके। अहमद अली अकबर की किसी 3 फिल्मों के नाम बताएं। लाल कबूतर, एक वो होमन जहां में भी थे, शक्कर वंडावे उसमें भी थे वो, और एक कराची से लाहौर। सही है, चले जी बताइए नेक्स्ट क्या चूज करें इन दोनों में से। दिमाग चलाओ, ओके दिमाग चलाओ। किस सब्जी में ताला और चाबी दोनों मौजूद है? ओके सही जवाब। गुरूर नहीं किया मैंने, दिमाग मेरा चलता है वैसे। चले भाई जरा दिमाग चलाए और हाथ भी हिलाए। पहला कौन? स्टार्ट एंड कर लिया ना, बीच का वाला। आप लोग क्या चूज कर रहे हैं? दिमाग चलाओ, इतनी बेइज्जती हो हमारा, कोई नहीं ये तो आसान था। ओके रेडी? हां ओके। वो कौन सी दाल है जिसको उल्टा लिखने से एक मुल्क का नाम बन जाता है? मसर, मिसर। उल्टा 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 लिखने से, सुनो ना, मुझे भी नहीं आता। माश। अच्छा बिल्कुल सही जवाब, माश की दाल। शाम, बहुत मुश्किल था। ओके जी आपके लिए ट्रांसलेशन, नहीं ना ट्रांसलेशन नहीं के देखते यार। ओके ये रह जाना देखते हैं ना। ओके हो जाएगा। इंग्लिश में चिया सीड्स को इंग्लिश में, उर्दू में क्या कहते हैं? बहुत आसान, चिया सीड्स को तुखमलंगा। मैं खाता भी हूँ तो आधा आपने सही बता दिया तुखमे, लेकिन उसके बाद कुछ और है। डॉक्टर उम्मेराही के साथ उठती बलंगा जो है वो चिया, मतलब जितनी ताकत तुखमे बलंगा में उससे 9 गुना ज्यादा तुखमे ताकत चिया सीड्स में। लड़कियों तुम्हारी बारी, तुम लोगों को भी ट्रांसलेशन ही चूज करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन लेते हैं, इंग्लिश में पूछ रही हूँ, उर्दू में बताएगा। ग्रेविटी, ग्रेविटी को उर्दू में क्या कहते हैं? यार ये मुझसे पूछती हैं यार, उल्टा हो गया ना, ये मेरे को पता होना चाहिए। ग्रेविटी यार, ग्रेविटी मीडियम में पढ़ी हूं, उर्दू में पूछते हैं। ग्रेविटी लिप्सिंग करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, ग्रेविटी। अगर आप लोगों ने जवाब हार मान ली हो तो फिर मैं लड़कों की तरफ, हमारा पॉइंट होगा, फिर आपका पॉइंट होगा, माइनस होगा। 3 2 हरारत टू टेंपरेचर खत्म हो गया ना। एक सेकंड, ग्रेविटी हो गया ना, 5 सेकंड कहा था आपने। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल जैसा होता है ना, मतलब वो तो क्या कहेंगे उसको नीचे? मैं बता दूं, कशिश, कशिश सकल, मकनातीस, कशिश सकल। सही जवाब, कशिश सकल। चलें जी शोबिज, शोबिज फाइनली।
निकालूं? हाँ निकाल लें। दो हजार इक्कीस में जिन सेलिब्रिटीज ने शादी की, किसी भी दो कपल्स के नाम बताएं। सना, 2021 की बात कर रहे हैं। सना जावेद और जसवाल। ये नए होता उनकी तो पक्की हुई हुई थी। एक तो वो एमन मनाल जो दोनों बहनों में से एक मनाल की हुई और अपना यार क्या नाम है उसका, अभी तो हुई है शादी थोड़े दिन पहले, किसकी दिमाग में नहीं आ रहा। तुमने लिखा मैं, जो मैं जाता ही नहीं हूँ ना मसला। आपको तो पता होना चाहिए, आपको क्यों नहीं पता? क्यों मैं गया था जल्दी? आपकी एक्ट्रेस की हुई थी। चलो जल्दी आ गया। आप लोगों ने वापस पढ़ लिया, सही है। चलो तुम लोग की बारी। शोबिज वैसे नादिया खान की भी हुई है, और उस्मान मुख्तार की भी हुई। वो तीन फीमेल सेलिब्रिटीज जो अब स्क्रीन पर नजर नहीं आती, कौन? आयशा खान, आयशा खान, आमना शेख, और तीसरी है जो स्क्रीन पर नजर नहीं आती। लेकिन आमना एड्स कर रही है। नहीं नहीं, आमना शेख, आमना शेख, आमना ऐड भी ऐड आया उसका। आयशा खान, वो पहले का था, दोबारा चल रहा है। तीसरी 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 1 तीसरी 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 3 4 5 चलें। छोड़ चुकी है ना, हाय वो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही। वो स्क्रीन पे सही जवाब है, वो नहीं कोई काम, सही जवाब। ऐड तो चल रहा है, नहीं कोई ऐड नहीं चल रहा उनका। ऐड तो चल रहा है, क्या वो कोई पुराने स्क्रीन पे नजर आ रही है? ओके दिमाग चलाओ, या मेरा दिमाग बहुत चल रहा है। दिमाग चला, दिमाग ट्रांसलेशन या दिमाग चला? दिमाग चला। ओके ओके, कब्रिस्तान हमेशा हॉस्पिटल के किस तरफ होता है? किस तरफ मतलब दाएं बाएं टाइप? ऐसे तो नहीं होता कि उतनी अलग दूर। 5 4 3 2 1 तो कभी नहीं मारे। और अगर जवाब बुरा हुआ तो हम नहीं मारेंगे उसको। भाई दिमाग चलाओ भाई, कब्रिस्तान हॉस्पिटल के बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है। ये क्या कब्रिस्तान घर के किस तरफ होता है? कब्रिस्तान स्टूडियो के किस तरफ होता है? तो बाहर होता है, बाहर होता है। ये जवाब हो गया तो यार ये तो अजीब है। यही तो है दिमाग चलाओ। लेकिन मॉक्स तो उसके हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, बहुत सारे मॉक्स जिसमें हां डिटेल में तो गहराई में तो जा रहे हैं, तो दिमाग चलाओ। इसमें ऐसे ही सवाल होंगे मैं बता रही हूं। ओके पलटे मतलब इसमें दिमाग नहीं चलाना, पलटना है भाई, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तुम लोग क्यों पलटा रहे हो, ये कोई नहीं खोल पाएगा। ओके जी क्या चूज करेंगे, दिमाग चलाओ या ट्रांसलेशन? दिमाग चलाओ, देखते हैं। अब हम जीत ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक एक दिन दोबारा शो के दिमाग से जीतते हैं, गेम क्या आप करते हैं? जानते हैं कि आधे कटे हुए सेब की शक्ल किससे मिलती है? एथेराक। आधे कटे हुए, जो आधा कटा हुआ सेब है उसकी शक्ल किस जैसी होती है, वो किससे किससे मिलती है उसकी शक्ल? किसी इंसान से, किसी फ्रूट से? तो मैंने और दिमाग चला, दिमाग चला। जैसे सवाल है ना ये, मुझे जवाब आ रहे हैं इनके। 2 3 4 मैं बताऊं? तुम दिमाग चलाओ। मैं बताऊं? हाँ दिल से। मैं बताऊं? दिल टाइप ही होता है नीचे जो दूसरा आधा कटा हुआ हिस्सा उससे है। ओ सही जवाब, चलो आप पीछे करें। चलो भैया, चलो भैया पीछे करो यार, ये अभी ऐसे जवाब, अब दिमाग चलाओ। नहीं रेडी, कॉल पे ले सकते हैं किसी को। ओके, फुटबॉल को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में फुटबॉल को फुटबॉल ही कहते हैं। नहीं उर्दू में लिखते थे ना हम, फुटबॉल ही लिखते थे। फुटबॉल ही लिखते थे तो हम बहुत कुछ करते हैं उर्दू में। नहीं नहीं, हमने जितना भी फुटबॉल जहाँ जहाँ यूज हुआ उर्दू में लिखा है। मुश्किल है ये, लात गेंद नहीं, गेंदे लात, गेंदे लात नहीं, ठहर लात, फुटबॉल। 5 4 3 2 1 आप लोगों को पता है? नहीं, पाँव बाली, ये देखिए आपकी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। पाँव बाली क्या होता है?
पाव वाली। आज हम पाव वाली हम क्यों करें चलिए जी आपकी बारी पलटे ना मतलब लेते हैं जीते मैंने खुद पलटा हमारी चॉइस है ना क्या हमारी चॉइस है नहीं नहीं तुम्हारी चॉइस है तुम्हें ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा बारी बारी हो रहा है कि पहले क्या लेना यही बचा है ये वो है आप चाय पियेंगे या चाय ओके ओके चिकन को उर्दू में क्या कहते हैं मुर्गी चिकन 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 मुर्गी कहते हैं सही ट्रांसलेशन जो है ना चिकन मुर्गी चूजा बिल्कुल सही जवाब चूजा चूजा यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन दिमाग बिल्कुल नहीं आपके इसमें चला ओके रेडी हमारा शोबिज है सॉरी तीन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जिनके अपनी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं हाँ लड़कों से ये सवाल पूछ के जब तक मजा आएगा कि उनको पता इनको पता होगा नादिया हुसैन नहीं उनका क्लोथिंग ब्रांड नहीं शाइस्ता उनका भी नहीं है ये क्या तुक्के लगा रहे मुसलमान सुनीता नहीं उसका भी नहीं है सोच सही हमें पता है हम बता दें हमें पता है मैं आपको टाइम दूँ 5 4 3 2 1 माया अली शरीफा जबार एमन बिल्कुल सही जवाब हमें तो सुनने के बाद पता नहीं है एमन मिनाल शरीफा जबार क्यों एमन मिनाल को नहीं पता नहीं हमें नहीं पता शरीफा का है शरीफा का है माया का है अच्छा माया का मुझे नहीं माया का भी सही पता पाकिस्तानी लड़कियों को भी गूगल किया करो ना आप लोग चलो वो जो एंड है ना उस एंड को पलट दो ना कह यार हां यार असल में हम लड़कियों को गूगल करते ही नहीं इंस्टा कर लिया करें मुझे सईफा का पता है बिकॉज़ उसके लिए तो शाउट आउट भी बना के दिया था मैंने हां तो माया का भी है एमन मिनाल उर्वा मावरा का भी है हां था ना ज़हन में लेकिन सईफा मेरे ज़हन में इसलिए मैंने आज सुबह उसकी एक कुछ देखा था तो ज़हन में था हां से पूछ लेते सवाल ओके आइए जी शोबिस से आपका सवाल शोबिस हां उन तीन सेलिब्रिटीज का नाम बताएं जिनकी इस साल औलाद पैदा हुई है ये जो 2021 सारा फलक हां यासिर हुसैन इकरा और अब तीसरा अब वो सेलिब्रिटी तो नहीं है पर सेलिब्रिटी नहीं लेकिन जे जे भाई की बीवी ऐसे तो वो जो हमारा तो सेलिब्रिटी बख्तावर भुट्टो की भी हुई है हां उसको गिन सकती हूं बख्तावर गिन सकती हूं ओके मान लिया वैसे मैं आपको और भी बता देती हूं जगजीत सेजा सबसे बड़े स्टार है यार भाई के हम तो उन्हीं का नाम लेंगे स्टार्स हम उनका ड्रामा करें हम उनका नाम लेंगे उनके घर बस तीन पूरे हो गए नहीं नहीं लेकिन हो गए आपको तीन पूरे लेकिन आपको और भी बता देती हूं और किस किस के घर हुई है आमना शेख के भी हुई है सानिया शमशाद के भी हुई है सादिया गफ्फार के भी हुई है यासरा रिजवी के भी हुई है चलो भाई गुड आप लोग का जवाब ओके जी आप लोगों की बारी है अब दिमाग चलाओ नहीं चलाना इसका मतलब है ओके कौन सी चीज है जो जिंदा हो तो उसे दफन कर देते और मर जाए तो बाहर निकाल देते हैं दफन कर देते हैं जिंदा हो तो दफन कर देते हैं और मर जाए तो बाहर निकाल लेते हैं ये सोच लो ना कोई लिविंग थिंग होगी कोई खाने की चीज तो नहीं होगी ना कोई भी लिविंग थिंग होगी ये सोच ख्वाहिश हार मानी हाँ आपने हार मानी जी जी बिल्कुल हाँ? पौधा जब जिंदा होता है तो उसे लगाते हैं पौधे को दफन करते हैं चूजा और अंडा भी हो सकता है क्यों क्यों चूजा जो अंदर जिंदा होता है तो बाहर निकलता है ना क्या बोल रहे हो वो दफन नहीं होता हम खुद करते हैं अपने हाथों से पौधा जब जिंदा होता है तो उसे उगाते हैं ये अच्छा है ये एक्चुअली अच्छा है ये एक्चुअली अच्छा है ये सारी स्क्रीनशॉट लेके जाऊंगी मैं घर बड़ी नहीं है साडे कोल तो कुछ नहीं रहा ये मैंने किससे पूछा था वैसे इन लोगों से सब आप इनके पास तो है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग ओके चलें अच्छा सवाल खाने वाले वो कौन सा पेस्ट है जिसे आप कभी खाने में नहीं डाल सकते टूथपेस्ट सही जवाब ये तो बहुत आसान आया लकी लड़कियां लकी चल रही हैं भाई ओके हाँ जी ट्रांसलेशन ही आएगी हमारी ओके एग्जॉस्ट फैन एग्जॉस्ट फैन को खिड़की का पंखा क्या कहते हैं इखराज इखराज का पंखा इखराज पंखा इखराज पंखा खिड़की का पंखा इखराज तो एग्जॉस्ट तो इखराज होगा बता दूं आपको आता है नहीं ओके जी क्या है जवाब रास्ता पंखा यार ये क्या ये गलत है रास्ता पंखा खुद ही बनाए हुए सारे ये नहीं नहीं हमने नहीं बनाए गूगल पे बिल्कुल रास्ता पंखा पता नहीं कौन सा खराज सुना है हमने यार मतलब बाहर जाना रास्ता
दुबई जाते नजर आता है बाहर निकल एग्जिट निकल यही होता है ये कौन सा उर्दू में तो एग्जॉस्ट तो बिल्कुल ही कुछ और हो जाएगा जब, हाँ। जब ये खुद से बनाया हुआ है तो हमने भी खुद से बनाया उसको भी मानो आप भाई हमारा मानने वाला है वैसे क्या लेकिन हमने लोग भी बिल्कुल सही था हमारा ओके रेडी है आप नहीं दे रहे पंखा अखराजी आखिरी है ये आखिरी है तो हम वैसे आप जीत रहे हैं ओके प्लेट को उर्दू में क्या कहते हैं थाली थाली कहते हैं वैसे मैं बताऊं हार हो गया हार नहीं नहीं अभी नहीं हुई इतना टाइम तो दे प्लेट नहीं ना प्लेट को उर्दू में क्या प्लेट को कहते हैं थाली कहते हैं हम तो थाली कहते हैं फाइव थाली ट्रे हो जाएगी थ्री टू वन बोले तश्तरी जी नहीं अच्छा ठहरो उकाबी 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 कैसे तुमने कभी प्लेट को उकाबी कहा तो भाई इस सेगमेंट में अभी तक जो है ना हमारी लड़कियां तो जीत गए खत्म वो बस हाँ इस सेगमेंट में तो वो जीत हम जीत गए आइए देखते हैं अगले सेगमेंट में कौन जीतता है छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप सबको एडवांस में नया साल मुबारक और हमारी जो टीम्स हैं अभी तक लड़कियों की टीम जो है वो उरूज पर है लड़का लोग ज़रा आप लोग भी फॉर्म में आ जाए खैर इस सेगमेंट में मैं आप लोगों को स्प्लिट कर रही हूँ ठीक है क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट का हमारा नाम है कौन बनेगा लखपति सो देखते हैं बस हर किसी की ख्वाहिश होती है भाई लखपति तो बने है ना तो अब आप मुझे बताएं कि जो हमारे होस्ट हैं मैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दूँ ज़रा होस्ट लियारी किंग साहब बोलो हाँ जी सेट है आप हाँ मैं सेट हूँ लेकिन नाम नहीं बताऊंगा किससे सेट हूँ अच्छा ओ ये नाम मैंने पूछना भी नहीं है ये आपका बहुत पर्सनल मैटर है मैं आपके पास एक हीरो और हीरोइन भेज रही हूँ ठीक है लियारी किंग साहब आप खुद चूज कर लें कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन चाहिए आपको हीरो तो हीरो होता है कोई सा ही भेजो ऐसा करो पहले फैसल भाई को भेजो ओके फैसल भाई चले जाए हीरोइन बता दो अमर या नाजिश अरे अमर को छोड़ा मारे मुझे आमिर खान निकल जाता है क्या चाहिए आपको नाजिश को भेजूं चले जी फैसल और नाजिश यासिर एंड अमर फिर इकट्ठे जाएंगे स्टाइल तो उनका बड़ा हेयर स्टाइल बड़ा है ये असल में जब पैदा हुआ ना तो सिर्फ बाल थे साथ में बच्चा लगा हुआ बिल्कुल नाजिश का बचपन लग रहा है हां नाजिश का बचपन लग रहा है अच्छा अब जो फॉर्मेट है इस सेगमेंट का वो मैं आपको बता दूं होगा ये ख्वाहिश थी मेरी सीट पे कि आपके पास परसेंटेजेस एज हीरो हीरोइन आप वहां बैठे ठीक है हम आपको जो आम पब्लिक है उसकी परसेंटेजेस दिखाएंगे अलग अलग सो जो सवाल आपसे किया जाएगा उसके जवाब के लिए आपने परसेंटेजेस चुननी है नाजिश अपनी मर्जी से चुन सकती है परसेंटेज फैसल अपनी मर्जी से चुन सकते हैं परसेंटेज अगर फैसल का जवाब दुरुस्त हुआ तो फैसल यानी लड़कों को पॉइंट जाएगा हीरोज को पॉइंट जाएगा और नाजिश का जवाब दुरुस्त हुआ तो हीरोइंस को पॉइंट जाएगा रेडी है आप लोग ओके जी पहला सवाल तंदूर पे क्यों काम करता है तंदूर नहीं है भाई हॉट सीट है तंदूर हॉट होता आपको इस वजह से लग रहा है तू ज्यादा हॉट पे बैठ गया नहीं हॉट पर नहीं है समझा करो हमने पानी रखा वो ठंडा करता रहता है अच्छा सवाल पे आ जाए शामजीत कहता है पहले अपने लखपति पे पहला सवाल जी लियारी किंग साहब अरे आपसे पहला सवाल है कि आज की कितनी फीसद हीरोइन कल की हीरोइन के मुकाबले में नखरे करती है 50-75% लिखा है ना तो नाजिश ने कहा नाजिश ने जवाब दिया 51-75 जी फैसल आपका क्या जवाब 76-100% 76-100% या आपको लगता है कि आजकल की ये अगर सवाल है कि आज की कितनी फीसद हीरोइंस कल की हीरोइंस के मुकाबले में नखरा करती हैं सो आपने कहा 76-100% एंड नाजिश कह रही है 51-75% अब देखते हैं लियारी किंग साहब आवाम का क्या फैसला आवाम का क्या फैसला है अरे आवाम फैसला करो भाई ओके फैसल को पॉइंट जाता है फैसल भाई झूठ है ऐसा भी नहीं बॉयज की इतने डाउन टू अर्थ है मैं और अमर क्या बात है सबकी बात ये चेंज कर रहे हो तो आवाम क्या सोच रही हो आवाम क्या सोच रही है आवाम अच्छा भाई देखिए बात ये फैसल भाई हीरो जो होता है हीरो बेचारा खुद बैग उठा के लाता है ऐसे भी कोई बात नहीं है सर हमने कुछ हीरो देखे जिनको खाना नहीं मिलता ना तो गाड़ियों बैठ के सीन छोड़ के खुद चले जाते हैं मैं भी हूँ ना बंदा पेट के खाते कर रहा है कोई खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बिल्कुल हीरो के भी बहुत पहला आप जीत गए आपको जाते हैं कितने 75,000 देना कितना देना है
कितने 75,000? नहीं नहीं अभी 5,000 से शुरू करते हैं। 5,000 चलिए। अरे कितने फीसद कल के हीरोज खुद को आज के आने वाले हीरोज के मुकाबले में ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं? 51-75%। आप बताएंगे? सेम। ये तो फिर टाई हो जाए। अच्छा चलिए, आपने वो लगाया हुआ है, टाई नहीं बताए वो बताए। 76-100। वो तो आ रही है बेटा। नहीं करे आज की हीरोइन यार, बुरा मान तेरी बात कर रहा हूं मैं तो दूर बैठा हूं। तो सोच। ओके सो जवाब दिया फैसल ने। सवाल था कितने फीसद कल के हीरोज खुद को आज के आने वाले हीरोज के मुकाबले में ज्यादा टैलेंटेड समझते हैं? फैसल ने जवाब दिया 51-75% एंड नाजिश ने जवाब दिया 76-100%। पब्लिक अवाम का क्या जवाब है? चुमाटे का ही है वहां मुझे। फैसल का जवाब दुरुस्त हुआ जनाब। एक पॉइंट और फैसल आप लोग ले गए हैं। फैसल हम जैसे आवाम के साथ साथ चल रहा है। सॉरी ओके आवाम के साथ चल रहा है। आवाम को क्या पता कि अंदर की क्या कहानी है? हां ये पता है, कौन सी आवाम है मैं जानना चाहती हूं। असल में आवाम पसंद करती है फैसल भाई को, उनका साथ दे रही है आवाम। दो पॉइंट हो गए फैसल भाई के। आप अभी तक जीरो पे क्या कर रहे हो? लगाम कितना भगाओ गाड़ी को भैया। चलें अरे तीसरा सवाल है कि कितने फीसद हीरोज हीरोइन के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए सोचते हैं कि काश ये इजहार हकीकत में हो जावे? 26-50। अरे यार 26-50। हाँ बतंग गए कोई नहीं चाहता। अपने बारे में नहीं, अपनी दिमाग का सोचा है। आवाम से सोचा है, आवाम का सोचा है। 76-100 भाई आप तो बोलो कितने हीरोज हीरो। ये 76-100। अरे ऊपर बोलो ऊपर। 76-100। You sure? 76-100. Okay, 76-100. नहीं नहीं अपने ये चेंज हो रहा है, ये बीमारी है। 25-50% इन्होंने कहा है। मैंने हेल्प ली है ना, ले सकते हैं। नहीं आपने कहा 76-100। हाँ मेरा है भाई, लड़कों की आवाज है, इनको ज्यादा पता होगा। या नहीं एक मिनट इससे पहले जवाब बताए। फैसल ने कहा कि 76-100% हीरोज ये सोचते हैं। एंड नाजिश तुम्हारा क्या जवाब है? 26-50 लड़के ये सोचते हैं कि हीरोइंस के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए क्यों ऐसे सोचते कि काश ये इजहार हकीकत में ज्यादा। कितने तुम लोगों के फैसल और नाजिश कितने दिल की आवाज है? जवाब दिखाओ भाई। 51 कोई किसी को भी पॉइंट नहीं मिला, किसी को भी ज्यादा लोग दोनों गलत हो बीच क्या ना। हाँ गलत ये गलत हो गया, इसको स्वीप कर दे। हालांकि आधी हीरोइनों के बच्चे तो मुझे मामू कहते हैं। क्या करूं अब, ये नसीब की बात है फिर मैं क्या कर सकता। ओके जी चलो चौथा बंदे को अंदर से डीट होना चाहिए। कोई नहीं खैर अभी दो पॉइंट आपके, आपका जीरो है अभी तक। अभी आपकी स्क्रीन पर छोटा सवाल आ गया। हाँ। अपनी बेल्ट बांध लियो। ये बताओ कि कितने फीसद अदाकार हैं अपने साथ ही काम करने वाले अदाकारों से खार नहीं खाते? ये 0-25%। आप बताएंगे? लोएस्ट है 51-75। अरे आपको तो 100 बोलना चाहिए था, आप खुद हीरोइन है। ये कह रही है खार नहीं खाती ना? नहीं खाती, ज्यादा खाती है खार। तूने सेट पे देखा नहीं है, ऐसे चौपियों के मुकाबले चल रहे होते हैं जहाँ चार लड़कियां हो सेट। अभी देखते हैं आवाम क्या बोलती है। हाँ तो सेट पर नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको फैसल है? ऐसा लगता है आपको भाभी आप कब से सेट पे नहीं गई? मैं तो यहीं बस यहीं पे हूँ 12 साल से। ऐसे होती है ना एक दूसरे के साथ नो, और उसके बाद जो फिर चल रहा होता है ना। अच्छा आपने दो क्लोज ज्यादा ले लिए। बताओ यहाँ से डायरेक्टर। हाँ आपको क्या लगता है? नहीं अभी अमर मुझे गहरी नाजिश समझती है अपने आप। अल्लाह अच्छा सेम नाजिश ने भी कहा यही कहा ना, मुझे अमर समझ गया था। नाजिश ये मर्दों की चाल है, ये चाल है। मैं भी नाजिश और अमर के साथ हूँ। अरे कंप्यूटर जवाब तो दे दो। ओके भाई जवाब फैसल ने कहा 0-25% एंड नाजिश ने कहा था क्या कहती है खार भाई 51-75। तो ये यहाँ पॉइंट कितने फीसद मेन लीड अदाकार अपनी मर्जी से अपनी को अदाकारों को कास्ट कराने पर जोर देते? आवाम को क्या लगता है? 51-75। नाजिश कह रही है आवाम को लगता है 51-75। फैसल आप क्या कह रहे हैं? 26-50%। फैसल कह रहे हैं 26-50%। लेकिन मुझे लगता है कि आवाम को लगता है जो नाजिश ने कहा। आपको लगता है कि जो आवाम को लगता है जो नाजिश ने कहा। फैसल भाई ओके
आपने लीड बड़ा काम किया है, कभी ऐसा हुआ है आपने अपनी मर्जी से करवाया कि काम? नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है ऐसे ही? क्योंकि आवाम को ऐसा लगता है, क्योंकि आवाम को ऐसा लगता है मतलब अच्छा मेरे... मुझे सवाल समझने में ना पहले गलती हुई थी जब मैंने आंसर किया था कि एक्टर्स जो हैं लड़कियां वो अपनी मर्जी से हीरो को चुनती हैं। अच्छा और वो बहुत इन है टू बी रियली ऑनेस्ट। हां ये भी है। हां हां अच्छा ऐसा मतलब मेरे पास ये राइट है एज एन एक्टर कि मैं किसी के साथ अगर काम नहीं करना चाहता तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको कास्ट करें या उसको कास्ट, आप खुद अपक्विट कर जाओगे। हाँ मैं या तो खुद क्विट कर जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है आवाम को इतना लगता होगा। अरे मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मेरा जवाब 26-50 आवाम से पूछते हैं। ओके बताओ रे, देखे भाई आवाम क्या कहती है। मैंने स्क्रीन तोड़ देनी है। यस फैसल, ये आपका जवाब दुरुस्त है। आवाम को ये लगता है कि 26-50%। ओके चले भाई टीम चेंज। मेरी पब्लिक है ये, कोई मैं आवाम जानना चाहता हूं। ये मेरी पब्लिक, आओ हमारा हो गया, मैं जीत गया बस। हां आ जाएं फैसल भाई, मुबारक को भाई, आप 50,000 रुपए जीत चुके हैं। अरे मुबारक, अभी 50,000 होगा, लाख हो जाएगा। पैसे कहां है? पैसे तो आप जीते नहीं, आप तो देख के जाओगे पैसे। ओके भाई, इस टीम में जो है वो लड़के जीत चुके हैं, हीरो जीत चुके हैं। चलें यहां नाजिश और फैसल वापस आ चुके हैं। भाई दानिश, छोटे भाई दानिश, यासिर और अमर सेटल हो रहे हैं जी। अगला सवाल, पहला सवाल इन लोगों से। अरे कितने फीसद अदाकारा है खुशी खुशी बिना वो बनाए लोगों को सेल्फी दे देते हैं? अच्छा अदाकारा है। अरे मुझे लगता है 51-75%। फैसल हेल्प कर यार, 76-100% बोल। 76-100% अदाकारा है, एक्ट्रेसेस की बात। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सबसे कम एक्ट्रेसेस की बात, छोटा 0-25%। चलो भाई 0-25%। अरे हीरोइन की बात हो रहा है। हां हीरोइन का समझ गया, तुम आगे चलो। सबसे नीचे वाला है? सबसे नीचे आपका, सबसे ऊपर वाला? मेरा नहीं, बीच वाला 51-75। चलो जी ओके, देखते हैं भाई आवाम क्या कहती है। यस मैं बता रही हूं, मुझे आवाम को ही है यार। मैंने तो आज तक किसी एक्ट्रेस को ये करते पैसन की कोई आवाम है? आपने यासिर, एक मिनट, 60,000 हो गया तुम लोग का। ओके फैसल, आपने यासिर को ये मशवरा क्यों दिया? क्या के ये 0-25 बोलो? क्योंकि मैंने जनरली देखा है लड़कियां नॉर्मली पिक्चर्स नहीं बनवाती हैं, सेल्फीज नहीं बनवाती हैं, और ये शिकायत मुझसे कई दफा मॉल में या कहीं पे मैं जाता हूँ तस्वीर बनाने, तो जब मैं बनवा लेता हूँ तो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि हमें वो मिली थी, उन्होंने पिक्चर नहीं बनवाई। जैसे मैं सोलो नहीं लेती। हाँ तो मुझे मना करना। जैसे बहुत सारे मर्द आ जाते हैं ना कि हमारे साथ आप भी नहीं बनवाएंगे। मैं मर्दों के साथ नहीं बनवाती। हाँ तो वो इस वजह से भी मेरे ख्याल से परसेप्शन बन गया है। तो वही अगर आप थोड़ा सा फैमिली के साथ आके लड़कियों के साथ पिक्चर बनवा लें तो। एक दफा तो डांट भी पड़ गई थी मुझे, आगे से रूड हो गया। अच्छा आदमी इतनी आपके आने पे बनाया। चले अगला। ओके जी, ये जवाब भी जी लड़कों की तरफ गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी 70,000 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ना क्या बात है। चले जी अगला सवाल, आज के लिए कितने फीसद अदाकार है और अदाकार सर्जरी की जानिब जा रहे हैं? क्या कहते हैं 76-100? लोग ये समझते हैं, सब ने कराई है। लोग ये समझते हैं, लोगों को लगता है, लोगों को लगता है 76-100। वैसे लोगों को मुझे लगता है 51-75। ओके आपको लगता है, आपको क्या लगता है? हीरोज ने जवाब दिया 76-100% और हीरोइंस ने जवाब दिया 51-75%। अब लोगों को क्या लगता है ये देखते हैं। चलो ये लोगों बताओ। सही जवाब, लड़कियों का पहला सही जवाब। 10,000 तो जीता इन्होंने कम से कम। ओके वेरी गुड, जीत गए लड़के। हाँ जी आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ जी, लियारी किंग साहब। अरे कितने फीसद अदाकार और अदाकारा है जान पूछ के सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं? करती हैं और करते हैं दोनों। 76-100% नाजिश मैं कंफ्यूज हूँ कि या तो ये 26-50 होगा। नहीं नहीं नहीं, 51-75। ओके ओके तो मैं दोबारा आपको बता दूँ, पूछा गया था कि कितने फीसद अदाकार और अदाकारा हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं जवाब दिया है 51-75। आवाम को क्या लगता है? अरे बोलो रे,
लोगों को पता है कि हर कोई ऐसे नहीं करता जो बहुत डेस्परेट हो, मतलब नोबडी वुड थिंक कि मायरा इज डूइंग दिस बिकॉज़ ऑफ फवाद या एनीबॉडी इज डूइंग लाइक दिस बिकॉज़ ऑफ ओके लोगों बहुत रही है ओके अमर तुमने चेंज कर लिया एक आवामी सोच रखी है जवाब भी गलत दिए गुड दोनों ने गलत दिए दोनों ने नहीं नाजी से कहा था कि दोनों हो सकते हैं 10,000 हम लोग का बच्चा है मुझे लग रहा था ज्यादा है मुझे भी ज्यादा लग रहा है तो दोनों के गलत जवाब हां जी आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अरे कितने फीसद अदाकार अपनी बीवियों के रूप में साथी अदाकारों का इंतखाब करते हैं 26-50% यासिर ने बोला 26-50% देन गो फॉर 0-25 0-25 हां 0-25 ओके जी दिखाएं आवाम क्या सोचती है बिल्कुल सही जवाब 0-25 ये अब जो आया ना दौर पहले की बात कर रहे हैं अब जो ये पिछले 5-6 साल में ये एक ट्रेंड हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है जहाँ बंदा काम करता है साल में ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब यू नो साथ में काम भी कर रहे हैं और शादियां भी हो रही हैं आपस में ये एक जमाने में पहले होता था और उसके बाद अब दोबारा ये ट्रेंड आया है जो कि एक बड़ी जबरदस्त मेरे ख्याल से चीज है हाँ सही ठीक है जी तो लास्ट सवाल कर रहे हैं जी लियारी किंग साहब लास्ट सवाल है आखिरी सवाल है सही है कितने फीसद अदाकार अपने बड़े बच्चे को छुपा देता है 76-100% है 76-100% कम नहीं यार आई थिंक 51-70 हाँ ओके आसिफ भाई का तजर्बा है क्या करो ओके जी तो आवाम क्या कहती है कितने फीसद अदाकार अपने बड़े बच्चों को छुपा लेते हैं हीरो का कहना है 76-100% और हीरोइन का कहना है 51-75% आवाम क्या सोचती है यस ओके सही जवाब कौन सी गुफा में छुपा लेते हैं बड़े बच्चों को आपने पहले बोला तजर्बा बोलता है कितने बड़े बच्चे हैं अरे हम बड़ों के तजर्बे वाले बच्चे ही छुपा लेते हैं कितने बड़े उसने बड़े नहीं हुए बच्चे तो आपको ब्रेक पे बताते हैं मैं बताता हूं तो जनाब हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पासा कुछ पलट चुका है क्योंकि पहला सेगमेंट जीता था हीरोइंस ने और अब हीरोज यहाँ आगे जा रहे देखते हैं अब अगला सेगमेंट कौन जीतता है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हैप्पी न्यू ईयर वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप सबको एडवांस में नया साल मुबारक और इसीलिए आज हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो जो आम हम शोज करते हैं बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं वो भी हम करेंगे वो भी हमने किए लेकिन साथ हम मस्तियाँ भी कर रहे हैं सो हम ये कह रहे हैं कि वो जो आप सोच रहे हैं कि रात को आपने वो हवाई फायरिंग करनी है सिर्फ उसी से इंजॉयमेंट होगी आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप इंजॉय कर सके अपने न्यू ईयर को आइडियाज भी दे दिए हमने आपको तो अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें है ये देखिए हम खाली खाली नहीं आपको चॉकलेट भी मिलेंगी हम आपको स्क्रीन पे कोई सवाल दिखाएंगे सवाल इन द सेंस कि स्क्रीन पे वीडियो होगी उसमें कोई भी सवाल मैं निकाल कर आप लोगों से पूछ सकती हूँ लेकिन बारी किसकी है बारी जो है वो डिसाइड करेगी ये कॉइन कि आप दोनों में से दोनों टीम में से बारी किसकी आएगी जिसकी ज़्यादा बारियाँ जिसके सही जवाब उसके ज्यादा चॉकलेट के डब्बे ठीक है तो ये गोल्डन या सिल्वर हम डिसाइड सिल्वर आप है सिल्वर हम एंड गोल्डन आप सही है स्क्रीन पे होगा क्या स्क्रीन पे वाह है ना स्क्रीन पे हम आपको ड्रामे के क्लिप दिखाएंगे ठीक है आप लोगों ने पहचानना होगा कि हीरो हीरोइन कौन है जो एक साथ परफॉर्म करें ये सवाल होगा ठीक है ना सही है हाँ हो गए रेडी आप लोग और इसको भी कोई आगे मूव करना मैं करूंगी जा आप करेंगे अच्छा हाँ कि किस किसकी बारी इसमें तोहफा आएगा हमारे इसमें तोहफा आएगा आप लोग तोहफा ओके रेडी हैं आप लोग रेडी हैं जी ओके रेडी गेट सेट गो ओके गर्ल्स इविल स्माइल आपकी बारी जी ये लीजिए आपकी ओके जी अब आते हैं स्क्रीन की तरफ उस बच्ची का नाम और अगर इन्होंने गलत दिया तो चॉकलेट सामान पा जाएंगे हाँ कोमल लड़का दोबारा से
लड़की कोमल है, अगर वो उस बच्ची का नाम कोमल है जो नहीं आई है इस्लामाबाद की है वो, हाँ। हाँ। लड़का तो कंफर्म बहाज, हाँ। अच्छा। बहाज एंड कोमल, और जहाँ तक मुझे पता है कि अहद वफा का सीन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लड़की मुझे भी एमन लगी है, पर एमन नहीं मिनाल लगी है, मिनाल लगी है मुझे, बहाज और मिनाल ने काम किया। फाइनल क्या, फाइनल क्या जवाब है? एक दफा लॉक देख सकते हैं? नहीं नहीं, तू नजर ही नहीं आ रहा, देख के क्या करता? आवाज ना, आवाज से पता चल जाता है, आवाज ही क्यों पता चल जाता है, वो आवाज है। बहाज और मिनाल, पता नहीं, आई थिंक बहाज और मिनाल सेफ ऑप्शन है। बहाज और मिनाल, हाँ चलें, ओके। बहाज नहीं है तो, बहाज और मिनाल जवाब है, देखते हैं असल जवाब क्या है। यस, आइए भाई ये ले लीजिए आप, खोल के खाना शुरू कर चुकी हैं। रेडी हैं आप लोग? एंड अगला किसकी बारी है? ओके भाई, लड़का मुबारक, आप रहने दें, वो उठा लेंगे, आप रहने दें, मुझे पता है पैंट से फेंकते हैं। दोनों की हां, लाइव लाइव जा रहे हो, हां लाइव जा रहे। ओके रेडी? जी भाई, सही है जी, ये आप लोगों के लिए हो गया। एंड सीन क्या है? बहाज तो बड़े पुराने चले, बस करी चले मेरे साथ। अहमद अली भट्ट और इकरा, इन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त जो क्लिप चल रहा है, जो ब्लर क्लिप है ड्रामे का, उसमें जो हीरो हीरोइन नजर आ रहे हैं वो हैं इकरा और अहमद अली बट। एक्चुअल में क्या है ये देखते हैं। ओए, ये ड्रामा मैंने देखा। चॉकलेट का डब्बा उठाया, तलाक लेकर आ गए आप? आपको घर लेके जाने आया हूँ, बस करें चले मेरे साथ। अम्मा भाई, इसमें देखें बट साहब ने सीरियस एक्टिंग की थी, So, और बहुत अच्छी की थी, तो भाई देखना बनता था, और इकरा वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है। ओके, यासिर भी सीरियस था उसमें? हाँ, यासिर का, हाँ, मतलब दो जो कॉमेडी करते हैं लोग, उन्होंने सीरियस किया। ओके जी, रेडी हैं आप लोग? हाँ भाई जी, बिल्कुल रेडी, गेट सेट गो। ओए हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओए साडी बारी आ, हमारी बारी आ गई, खत्म। हां ओके, क्या घर नहीं चले तो फिर कहां जा रहे हैं? समझने की कोशिश करें, अगर उसे आना होता ना तो वो आ चुका होता, बात कुछ और है, और हुनैन की वजह से ऑलरेडी बहुत रिस्क ले चुकी है। आपको घर चलते अपना, ठहर जाओ मैं बता रहा हूँ, ये यार इसका नाम कैसे निकल सकता है? वो है यार, फिर से देख लेते हैं, अफान, 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 और लड़की समझ नहीं आई है मुझे, अफान और ये ड्रामा देखा है, नीलम तो नहीं है? नहीं, 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 नीलम नहीं है, अलीजे शायद, अलीजे, हाँ, अफान और अलीजे, दोबारा नहीं क्लिप चल नहीं सकता, दोबारा नहीं, इसी तरह चल जाए दोबारा से, इसी तरह से चला दे, बहुत जल्दी में चला दिया। नहीं, चीटिंग है ये, देखिए आप भी बता सकता है, ये वक्त आप पे भी आ सकता है। मैं पहचान गई, मैं भी पहचान गई, मैं, अच्छा चले हम इनसे पूछ लेते, आफान नीलम, आफान है नीलम, नीलम, अब ये जवाब को आप बताएंगे सही है कि गलत है, अब और कोई जवाब नहीं माना जाएगा, उन्होंने कह दिया आफान और अलीजे, आ जाए आ जाए, एक एक ऑप्शन है, आप आफान या नीलम, खुद सोचे बालू से किस किस के साथ काम किया है, खुद सोच ले आप। ARY पे तो एक यासिर के साथ था, और एज सच उसका कोई प्ले आया नहीं, ये वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। ओके, आफान तो है, आफान और नीलम, हमने आफान और नीलम को लॉक किया है, आइए देखते हैं कि क्या असल जवाब है। मुझे लग रहा है, क्या घर नहीं चल रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? हम हुनैन के घर चल रहे हैं। हुनैन के, ये चॉकलेट आप लोगों के लिए। बात हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। शहनाई। ओके, ये हमें मिल गया, ये चॉकलेट आपको मिल गई ना? ले लिया। अब बारी, वो जो चॉकलेट है आपकी, वो लड़कियों को मिल गई है, सही है, चॉकलेट लड़कियों को मिल गई। अच्छा चलो, रेडी है आप लोग? हमें मिली है। रेडी, गेट सेट गो। बारी बारी होना चाहिए, हवाओं के रुख इस साइड को मोड़े। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट सवाल।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा गिरेबान पकड़ने की? गौर से देखो, गौर से। आ गया था मैं उसके साथ आया। इन्हीं पे जानते होंगे क्या था पसंद है मुझे उसके साथ वक्त गुजार। हीरामानी तो है अलीबास के साथ, तो कोई ड्रामा नहीं आया। हीरा का नहीं आया, नहीं वो ये नहीं होगा। हीरा का और किसके साथ आया अभी? ओके, 5, 4, 3, 2, 1 जी। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे देखते हुए? सोनिया, सोनिया मिशेल, सिर्फ दोस्त है सोनिया मिशेल। सबसे ऐसे बात करती है इसने तुम्हारे साथ। हमारे पास आ जा मेरी बच्चियों, ये देखे हमें मैंने इसलिए उधर भेजी नहीं। चलो फिर भी हमें पास हमने पहचान लिया था। आधी चॉकलेट हमें दे दो यार, आप लोग आधा जाओ। हमारी वजह से दो जीती है एक इधर दे दो। ओके रेडी गेट सेट गो। मुबारक हो गया आपका, आपका आपके बारी आ गई है। सो ये आपकी तरफ देखना। हाँ जी दिखाइए भाई क्लिप कैसा लगा। बस आ रहे इतना ही शौक था तो मुझे कहा होता, सारे घर वालों से लड़के भी तुमसे शादी करें। ऐसा नजर क्या है जो उसके लिए मुझे छोड़ा मैंने? ये तुम क्या सा मैंने बताया ये तुमने सुबह क्या पांच ओके और हम सही बता दें दो चॉकलेट्स मिल जाएंगे ना। पांच ये होगा ना काम किया मैं दिखने में हमने मनाल का भी बताया था। आप इतने करीब से जानते हो लेकिन हम गैस कर चुके हैं। फाहद मुस्तफा थ्री लड़की तो सुंबल है। समी खान और सुंबल ओहान का रीसेंट समी नहीं है, समी नहीं है, 100% समी है। गिन लो 5 हो गया ना। सुंबल 4, 3, 2, 1 दिखाइए जी सीन। यार मैंने सबसे पहले फिरोज कैसा था बस आ रहे फिरोज क्या पता इसने नहीं शौक था तो मुझे कहा होता सारे घर वालों से लड़के भी तुमसे शादी मैंने कहा है मुझे खुद नहीं पता लेकिन हाँ। मैंने कहा फिरोज ने कौन सा ड्रामा सुंबुल के साथ मैंने भी यही सोच रही थी। माशाल्लाह कौन सा ड्रामा है यार वहां पे बहुत सारे ड्रामे आए आप लोग बहुत पुराने लगा रहे हैं शायद आप लोग फील्ड में भी नहीं आए होंगे आज सब वाकई मेरे दिमाग में नहीं था। ओके रेडी आप लोग तो नहीं था नहीं नहीं रेडी में फिरोज का ये कैरेक्टर ही नहीं था। मुश्किल है दिखाई दी नेक्स्ट क्लिप क्या पकवास है मुझे लगता है साथ में वो है ये आपने क्या कहा बिलाल अब्बास और कैटरीना दूसरा कौन है कैटरीना साथ में एंजेलिना जोली जो आएगा मैं बताऊंगा लड़की तो नहीं थी साथ में दो लड़के थे लोगों से करीब जिलानी और बिलाल अब्बास चलिए ना ब्लॉक कर दिया जाए जाना ही है हम बताएं तो हमारे पास आ जाएगा। हाँ मतलब ओके लॉक कर दे जवाब नहीं देंगे पता चले हमारा भी हमने जानी हमारा गलत अच्छा लेकिन वैसे मैं बता दूं इजाजत सलीम और बिलाल अब्बास अस्तगफिरुल्लाह देखते हैं कि क्या कहते हैं क्या पक्का यस यस जी मैंने गेस आप इनकी बातों में आते हैं यार झूठ बोल रही हो और क्या है हमारा भाई तेरा कूपे चीखता ना हाँ मुझे ड्रामा हाँ। याद आ गया ये रसार होगा इन्होंने यार ये देखो पॉज का ही है बिल्कुल ऐसे ही सीन है मार्क्स का लड़ते हैं जो ओके ओह तीन हो गई ये वैसे टाइम गुजर गया था इनका आपने ज्यादा टाइम नहीं अच्छा क्योंकि आपके शौहर हमारा टाइम अभी इतनी गुजरेगा
ये है हमारे पास रेडी आप लोग जी रेडी है जी ओके टू डीप ब्रो रेडी गेट सेट गो टू डीप ओके गर्ल्स के पास आए हैं चलो फिर जॉब करने वाली फसल तैयार हो देखें भाई जी दिखाइए नेक्स्ट क्लिप गुनाह कर रहा हूं लेकिन जगह पे आकर तो सोचो तुम्हारी बराबरी के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती तुम सिर्फ खुद से प्यारे थे मैं तुम्हारी तरफ दर्ज नहीं हूँ किस्मत मेरी मोहब्बतों को इस तरह टुका कर मार दी साथ के दिन मेरे लिए जो कुछ एक नया सजा छोड़ दिया उसने तुम्हें लेकिन मैंने नहीं छोड़ा वो बेहिस है तुम्हारे बगैर लगता है मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ पुराना ड्रामा सही है अहमद अकबर आई थिंक सो टू है ना जो वो था आई थिंक अंजुम भाई कर रहा ये तो सजल है ये सजल है ये तो सजल है हाँ लड़का शायद अहमद अली अकबर है हमारी दफा कितना पूरा चला है नहीं नहीं लड़का वो है ये भी थे उस ड्रामे में सुनील शेट्टी है वाला सुनील शेट्टी है कम अप विद समथिंग न्यू मेरा आईडिया था ये क्या 5 और दूसरी तो देख लो नहीं नहीं ये एक्चुअल लड़की कौन है यमुना यमुना लाइन 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 तीन दिखा के एक का पूछा हमें भी तो दो लड़के दिखा दिए चल भाई तेरा मेरा हो गया कितने ड्रामे क्यों अब हमें नहीं चाहिए आप ले अगले उसमें देखते हैं किसकी बारी हमारी है उन्हीं की बारी है गलत जवाब दे दें ओ उन्हीं की बारी है गलत जवाब ओके जी नेक्स्ट सवाल मेरा मानी इमरान मिश्रा क्या ये टू इज द ड्रामा दिस इज कीटिंग आप लोग खुशी हो रही है हमें ज्यादा खुशी होगी ये जीत गए बदतमीज है ये लोग चलो जी नहीं अभी कहाँ जीते दिल मोम का पांच है ओके रेडी एक और चाहिए गो गर्ल्स 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 आ रहा है ओके जी दिखाएं गर्ल्स का सवाल लौट तुमने लगाया ये क्या है भाई जो पूछो उसका जवाब दो किचन में लौट तुमने लगाया था बहुत ब्लर नहीं है ये ज्यादा बताओ पता लग गया मुझे ओके दूसरा चेंज कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं चेंज ओके दिल में तो बड़ा खुश हो गया अच्छा एक मिनट दोबारा वापस आओ क्या बताया तुमने एक मिनट इन्होंने पिछले वाले क्लिप पे देखकर इन्होंने उष्णा और बिलाल का नाम हाँ मुझे ये सीन मैंने देखा है हाँ ये आके डांटते हैं इसको यू राइट माय फ्रेंड यू राइट और दूसरा क्लिप मेरा और नीलम का है ना ओके गो अगला दिखाएं ओके जी दिखाई भी अगला क्लिप दिल में तो बड़ा खुश होती है लोग बड़ा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं बड़े और छोटे में से क्या फर्क पड़ता है इतना लंबा सीन था ही नहीं अलीजे का नहीं नहीं हम बता रहे हैं एक बार चुप तो हो जाओ यार अलीजे ना इतना लंबा सीन था ही नहीं अलीजे का अलीजे ही है शान के ऐसे कर रहे हैं उनको पता है मेरा दिल मेरा दुश्मन मेरा दिल अलीजे और अलीजे और तुम हो इतनी यासिर कंफ्यूज है कि यासिर और कौन है यार यासिर अलीजे है आइए देखते हैं मैं समझा डीलम है वो है यासिर ने बोला मेरा दिल मेरा दुश्मन आप लोगों ने बोला अलीजे और यासिर और तुम नीलम कभी इतनी सीधे बात नहीं रखती चलो जी आइए दिखाइए मैं तो बड़ा खुश होती होगी कि लोग तुम्हें मेरी बेटी कहते हैं मुझे बड़ा कहते हैं ओके सही जवाब ये लीजिए एंड एक आखिरी सवाल चल बस चल घर चलते हैं एक आखिरी सवाल है हाँ जी क्या पता नहीं वो जीत गए फिर भी 1 2 3 4 5 नहीं टाई भी हो सकता अच्छा आखिरी हो सकता है 4 है इधर 6 है अगर ही उधर चला गया हो सकता है गलत जवाब अच्छा भाभी लास्ट में टॉस ना करें चला दे जिसने बता दिया
ओके हाँ, ठीक है, ये लास्ट है जो पूछने वाले हाँ। और जो सही बता दे उसके लिए लॉक कर देना, उसके लिए तीन डब्बे नहीं, नहीं तुम ऐसा ना बोलते रहे हम चेंज करते हैं। अच्छा ठीक है ओके, चलिए जी आइए नेक्स्ट दिखाएं और अभी जो सही बताएगा उसी को चॉकलेट मिलेगी। ये लोग कह रहे हैं इमरान अशरफ और हेना मानी, तुम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मैं कह रही हूँ ये चीटिंग हुई है, सारे यासिर भाई के ड्रामों के क्लिप्स चले हैं। मेरा कोई नहीं चला होगा, किसको, मेरा भी नहीं चला। अच्छा चलो हम, अगर आपका सही जवाब हुआ तो आपको चॉकलेट मिल जाएगी, गलत हुआ तो कुछ जवाब तो सही है उनका। ठीक है ओके जी दिखाइए जवाब तो सही है। फरहान एंड इकरा सॉरी यार अपना फैसला कोई नहीं यार, शर्मिंदा हो कोई नहीं, हम फिर भी जीत गए, जीत तो गए हम लोग। हां हमें सजा चाहिए नहीं थे, असल में हमारा फिर हिसाब खराब हो जाता है। सुकन्यू से जो है इस सेगमेंट में हीरोज जीत गए हैं। आइए जी चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और आज आप हमारे साल 7 साल का आखिरी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल नया साल होगा और इंशाल्लाह सबके लिए अल्लाह करे ये आने वाला साल बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। इस वक्त मेरे साथ जो 4 गेस्ट मौजूद हैं, दो एक तरफ दो हीरोज़ हैं एक तरफ दो हीरोइंस हैं, उनसे मैं कुछ सवाल कर रही हूँ और वो सवाल जो है अपने दिल पे नहीं लेने, मज़े मज़े के जवाब देने, ठीक है ओके मतलब फनी जवाब देने, क्या जवाब फनी देने, फनी फनी सीरियस दिल पे ना ले कोई भी, कोई दिल पे ना ले। तो ये मैं सबके लिए कह रही हूँ जो जितने सेलिब्रिटीज देख रहे हैं, कोई दिल पे ना ले, ये मजे की बात क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ओके। अगर मैं स्टैटिक डॉक्टर होता तो मैं किसका चेहरा फिक्स करता या करती, जैसे डॉक्टर शाइस्ता है ना वो स्टैटिक डॉक्टर है, आप जवाब दें इस बात का। नहीं है साहब, नाक छोटी कर, आधा किलो तो सामान बाहर निकलता। ओके ओके फैसल आप भाई मजाक कर रहा हूँ, नैयर भाई सीरियस ना होइएगा प्लीज यार, दिल पे ना लीजिएगा, तुम क्यों दिख रहा है भाई। जी फैसल आप क्या करते हैं? नॉर्मली जो मैंने इस तरह के डॉक्टर्स देखे हैं वो अपना ही सब कुछ पहले कर लेते हैं, तो आप शाइस्ता को फिर से चुनते और कितना काय करेंगे फिर? तो मैं आप, हम तो अपनी बात कर रहे हैं तो हम पहले अपने आप से शुरू करते हैं, सबने यही किया, मतलब फैसल अपने आप से शुरू करते हैं, ये क्या बात हुई, सारे यही करते हैं ना, वेरी स्मार्ट आंसर, सारे यही करते हैं, सेफ सेफ। अब ये लड़का सेफ खेल गया, ये आंसर सब ना चुन लीजिएगा जी, आपके नक्शे कदम पे चलते हुए आपने स्मार्टली सेफ जवाब दिया। आई थिंक मैं शफकत चीमा साहब का थोड़ा सा, वो बहुत विलनेस उसमें ना बड़े वो बारोब रखते हैं, उनको सॉफ्ट थोड़े फीचर्स कर देते हैं, उनको हीरो बना, शफकत चीमा, नैया एजाज, नाजिश, मीरा जी, मीरा वो इतनी खूबसूरत है, मैं चाहती हूँ वो थोड़ी सी और खूबसूरत लगे। ओके अगर अगर मैं टेलीफोन ऑपरेटर होती या होता तो मैं किसकी बातें सुनता? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद ओके, फैसले का जवाब हुमायूं सईद। यासिर नवाज मतीरा की। मैं मीरा जी, मीरा जी, मैं मीरा जी की बातें सबसे एंटरटेनिंग मुझे लगता है, वही बातें मीरा जी, मीरा जी की बातें सुनती। तुम नाजिश किसकी बातें सुनती? मतीरा। तुमने भी मतीरा चुनी। अच्छा गुड है यार। ओके अगर मैं टैक्स डिपार्टमेंट में होती या होता, छोटे छोटे भी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, तो मैं अगर अगर मैं टैक्स डिपार्टमेंट में होता या होती तो मैं किसकी बैलेंसेस चेक करता या करती? फाहद मुस्तफा। ओके आप बताएं। फवाद खान, आई एम श्योर बहुत ज्यादा होते तो वो जरा चेक करते कि जी। यासिर अपनी बीवी का। गुड आपने छुपाया हुआ मुझे पता ही नहीं, सीरियसली मुझे नहीं पता। जबरदस्त शाइस्ता का। हाँ दोनों तरफ से कमा रही है। हम लोग टैक्स पेयर हैं लेकिन हमें कोई डर नहीं। ओके अच्छा चले अब मैं ऐसा कहती हूँ, अगर आपको मौका मिलता कि जो लड़के हैं वो अपने आप को किसी हीरोइन से बदल सकते, सही, और लड़कियां हैं वो अपने आप को किसी हीरो से बदल सकती, तो वो कौन होता? चले जी सोचे फैसल, अगर आप हीरोइन होते तो कौन सी हीरोइन होते?
बाबरा शरीफ। ओह माय गॉड। यासिर अगर हीरोइन होता तो कौन सी हीरोइन? अलीज़े शाह। भूल नहीं पा रहा तू? हाँ, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, प्यारी है यार। हाँ, बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। ओके जी, ना हमने हीरो से करना है जी। आपने हीरो से बदलना अपने आप। और अमर तुम भी सोच लो। आई थिंक फवाद खान इज ब्यूटिफुल। तो अमर अपने आप को फवाद खान से बदलती है। बिलाल अब्बास। और नाजिश अपने आप को बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ओके, अली अब्बास से बदल सकती हूं मैं भी। क्यों? अली अब्बास भी अच्छा है। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ओके, अच्छा अगर मैं ट्रैफिक पुलिस वाला होता या होती तो बार बार किसका चलान करती? पूरे कराची का। एक्टर, एक्टर चुनना है, एक्टर चुनना है। एजाज का बहुत तेज गाड़ी चलाता है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं एजाज के साथ ना यूं करके बैठता हूं। अच्छा, इस पे शायद मैं खुद अपना नाम ले सकती हूं। हां, ज्यादा आदत नहीं है मेरी, लेकिन जब जल्दी में होना, और मैं कराची में हरकत नहीं करती, इस्लामाबाद में करती हूँ। मैं सिग्नल्स नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन चलान करती खुद। तुम्हें पता है दुनिया में सिग्नल तोड़ने का मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर का आप पे केस लगता है। एग्जैक्टली, मैं इतना नहीं करती। कराची में लोग ऐसे सिग्नल तोड़ते हैं कि कोई मजाक ही है। कराची में तो मैं करती नहीं हूं। हां जी अमर, कभी कभी मॉर्निंग शो के लिए जब हम लेट हो रहे हैं, हमारे ड्राइवर का वो बहुत तेज गाड़ी में। हमारे ड्राइवर का। हां जी, वो सेलिब्रिटी तो नहीं है भाई। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ओके मेरा रहेगा। हां हां, आपका रह गया, सोच लिया आपने। मैं करता हूँ महिरा खान का। मैं पर्चा हाथ में होता, पेन हाथ में होता, मैं लिखता रहता, ऐवी रोकता हूँ, बातें करता रहता। देखें आपने जो ये मिस्टेक की है ना आपने, मैं छोड़ता ही नहीं। मतलब आपको सजा भी आज यही मिलेगी, नहीं बैठी रहे आप एक दो घंटे तक। और चलान भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखता रहता ना, करता मैं, आप जाए ना, बैठी रहे। चलान करूँ तो कैसे करूँ, टाइम तो मिले। मैं एक शब्द छोड़ूंगा आपको, एक सेल्फी हो जाए हमारी, कुछ सेल्फी बना। अच्छा ये तो मेरे साथ कुछ 10 दफा हुआ है कि रोकते हैं, बात करते हैं, पहले खूब तंग करते हैं, फिर कहते हैं चलो भाई एक तस्वीर करा लो, फिर जान दे। अच्छा अगर मैं स्टाइलिस्ट होता तो मैं किसकी स्टाइलिंग चेंज करता जरा सा उसको और बेहतर दिखाने के लिए थोड़ा सा? इस पे मैं तो अपनी करता चेंज, क्योंकि मैं हर जगह गलत जगह कपड़े पहन के जाता हूँ, और मुझे पता चलता है गलत पहने मैंने वो, जब मेरी मीम बनती है। मीम कहते बुरे थे कि मीम बनी आगे। और मेरा जो दोस्त पार्टनर है अरसलान, वो मुझे कहता है यार वैसे आप अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, जब कहीं शादी शादी अपना शो वहाँ जाते तो अजीब फनी कपड़े पहन लेते हैं आप। भाई ये है मसला हुई है, इसलिए मैं आज बहुत सोच वाली सोच। तो आप अपनी खुद क्यों करते हैं, किसी और को करने का मौका देते ना? मतलब खुद करके तो फिर गड़बड़ कर लेते। मैं डिजाइनर होता तो मुझे पता होता ना। हाँ, नहीं हूँ डिजाइनर, स्टाइलिस्ट नहीं हूँ। हाँ भाई फैसल, आप किसकी करते? बहुत सारी लड़कियां एक ही तरह की लग रही हैं आजकल, सबके गोल्डन बाल हैं। हाँ। और एक ही तरह के मेकअप्स हैं, तो वो मैं शायद उन तमाम लड़कियों को। कौन तमाम? काफी सारे, काफी सारों के नाम ले देना। लड़कियां ज्यादा, हर बंदे की दाढ़ी पूछे आज। हाँ ये भी एक हिसाब हो, हर लड़का एक ही, हर लड़का मतलब हम दो भी उसी में, वही वगैरह ना वो हमारी तो चलो फैशन में है ना, ये क्या करे ट्रेंड है। लेकिन मतलब कल में बड़ी लड़की चूज कर लेना, कोई एक लड़की चूज कर ले कि मैं ज्यादा अच्छे उसको तैयार कर सकता था। बहुत सारी हैं, मतलब एक तो लेंस से मेरी बड़ी जान जाती है। हाँ। वो एक आपका जो नेचुरल एक्सप्रेशन होता है ड्रामे में, नाम नहीं है रे कोई भी, वो बड़ा मर जाता है। But that's so true actually. एक लेंसेज और एक गोल्डन बाल बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। मैंने आज सोचा था लेंसेज पहन के आऊंगा यहाँ पे, भूल ही गया मैंने। मैं लेके रखे मुझे पहने नहीं जाते। गुड़िया तुम भी ना यार, सीरियसली मैं आज पहन के आऊंगा कलर्ड लेंस, अच्छा लगेगा। और कैसे तो भूल गया मैं। ये छिछोरा शोर है आपको। हो रहा है वक्त के साथ ना, बॉय बॉय ओके बॉय। नाजिश तुम किसकी स्टाइलिंग चेंज करती हो? और अमर तुम भी सोच, अमर बताएं आप। नाजिश ये मैं आपको लीड करने दूंगी, आप बताएं। फंस गए बेचारे, ये नाम मेरे नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया, कोई नाम नहीं। मेरे दिमाग में तो दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, सब अच्छे हैं। नहीं स्टाइलिंग की देखें बकायदा बहुत लोगों को बहुत जरूरत होती है, लेकिन वही बात है कि नाम नहीं, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आती। सबको है कहीं ना कहीं। हाँ, हम जितने भी एक्टर्स हैं, क्योंकि कभी कभी हम थोड़े से एक्सपेरिमेंटल भी हो जाते हैं, उस चक्कर में भी हम गलत जरूरी है पूछना कि नए साल के ख्वाब, नए साल के ड्रीम, नए साल के प्लान क्या है? हकीकत यह है कि मैं कभी
फ्यूचर प्लान करता नहीं हूँ. अच्छा. अल्लाह तवक्कल चलता हूँ. सो जो उसका प्लान होता है उस पे मैं चल पड़ता हूँ. कुछ नहीं प्लान किया मैं, कभी नहीं प्लान करता. बस सोचता हूँ कि अच्छा चलो शायद ये थोड़ा काम होगा, मतलब नियर फ्यूचर सोच लेता हूँ. हाँ. अगले एक दो महीने, ये नहीं सोचता कि आगे क्या करना है. दिसंबर में ये कर रहे हैं. वो अल्लाह तवक्कुल है. और यासर आपने क्या कर सोचा? मेरा तो खैर सच बताऊँ पता नहीं क्यों, जब से ये उमरा और ये बंद हुआ सिलसिला तो मेरा मूड है कि मैं इस साल अगर उमरा खुलता है तो मैं जरूर जाऊंगा. मेरा बड़ा दिल चाह रहा है इंशाल्लाह पता नहीं चलता ना वक्त का. तो मेरा मूड है कि मैं उमरा करूँ जाके और खूब सारी दुआएं मांगूँ और अल्लाह कबूल करे उसे. अच्छा ये बिल्कुल सेम इन्होंने बात की है. एक तो इनकी भी बात सेम है कि मुझसे तो अगला दिन भी प्लान नहीं होता. आई एम सो बैड एट इट. मैं बिल्कुल प्लानिंग में जीरो हूँ. आप मुझसे भी पूछ रहे हैं क्या खाना है तो मैं नहीं बता सकूंगी. दूसरा ये उम्र वाली बात, अब्बा के साथ जाना है तो ये नियत है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब तो हो जाएगा. हाँ. अच्छा मैं डर के मारे प्लान नहीं करती क्योंकि मैंने आज तक जो जो प्लान किया ना गड़बड़ वो फेल हुआ है या वो आगे पीछे हुआ है. सो आई थिंक इट्स बेटर यू गो विद द फ्लो. और मैं प्लान नहीं करती. तो जी हम प्लान नहीं करते, ये लोग प्लान नहीं करते, हम प्लान नहीं करते. लेकिन हमने आपके लिए बहुत सारे अच्छे शोज प्लान करके रखे हैं. अपने लिए कुछ प्लान किया है कि नहीं? लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी सी प्लानिंग करके रखी है. सो हमारी मुलाकात होगी अगले वर्किंग डे में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया. हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों की तरफ से भी. क्या हमारी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर. नया साल मुबारक. नया साल मुबारक. हैप्पी न्यू ईयर. जीते रहिए, खुश रहिए और नेकियां बांटिए. ओके जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलते हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी. भाई नए साल के लिए हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है तो मैंने कहा कि आपको एक ऐसी ब्रांड से मुतारिफ कराया जाए और उस शख्सियत से मुतारिफ कराया जाए जो हमेशा आपको गाइडलाइंस देती हैं अपनी नैचुरोपैथी की मदद से. साथ साथ उनका एक क्लिनिक भी है रसास वधा के नाम से, वहाँ वो प्रैक्टिस करती हैं. अक्सर आपको हमारे शो पे नज़र आती हैं आपको गाइडलाइंस देते हुए. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रसास वधा को जोड़ेंगे आप तो डॉक्टर उम्मे राहिल का नाम आएगा. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आज डॉक्टर उम्मे राहिल एम कॉलरिक लेकर आई हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर और ये बताना चाहेंगे कि एम कॉलरिक ब्रांड जो है ये तमाम ऑर्गेनिक ब्रांड है और इम्पोर्टेड मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है. और बाकी जो है वो डॉक्टर उम्मे राहिल बताने वाली हैं क्या क्या चीज़ें आपके पास. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि नए साल की खुशी में कुछ ना कुछ किया जा रहा है और आपके प्रोग्राम के तवस्त से एम कॉलरिक भी जो है नए साल की खुशी में आपके व्यूअर्स को बहुत सारी ऑफर्स लेके मतलब दे रहा है और बहुत सारे उसके लिए मतलब डिस्काउंट ऑफर्स डील्स लेके आया. मैं आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स नहीं बताऊँगी लोगों के लिए, इसलिए कि लोग कंफ्यूज होते हैं. हाँ. बहुत बड़ी रेंज होती है क्या करना है क्या नहीं करना. सिंपल अब की दफ़ा जो एम कॉलरिक ने डील्स बना दी है उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा डिस्काउंट रखा है. लाइक फर्स्ट हमारी जो डील है एंटी एजिंग डील है. अच्छा एंटी एजिंग डील में जो है हमारा एक फेस वॉश है, हाइलुरोनिक मिस्ट है, इसके अंदर गोल्ड जेल मौजूद है जो कि 24 कैरेट गोल्ड के साथ है. अच्छा. और ऑर्गेनिक कैरेट मास्क है जो कि लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा ये पूरा एक कॉम्बो है और इस कॉम्बो को जो लेता है उसको मिलेगा 10% डिस्काउंट. अच्छा. और इसके साथ जो हम ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपनी एंटी एजिंग की जो प्रोसीजर्स है लाइक उसके अंदर आपका आरएफ है, आपका जो है फेस पीआरपी है, ये आप करवा सकते हैं एंटी एजिंग के लिए और लिफ्टिंग पील है. Okay. और उन प्रोसीजर्स के ऊपर जो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट. नए साल का तोहफा. और अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो सोचिए 10% इस पर और 30%. नॉर्मली 20% होता है लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से जो इसका रेफरेंस लेके आएगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा. इमेजिन करें अगर दोनों चीज़ें लेंगे तो 40% डिस्काउंट उनको ऑल ओवर मिल रहा है. जबरदस्त. अच्छा इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी हेयर का जो हमारा कॉम्बो है, हेयर डील है हमारी. उसमें तीन चीज़ें मौजूद हैं, एक हेयर टॉनिक है एम कॉलरिक का, हेयर सीरम है और हेयर वाइटामिन है. तो तमाम लोग जिनके बाल एज की वजह से गिर रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से गिर रहे हैं या खुदा न खास्ता वो एलोपेशिया का शिकार है और बहुत परेशान हो रहे हैं कि कहाँ तक एक्सटेंशन लगाएं क्या करें, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं. 3 मंथ्स आपने यूज़ करना है और इस डील के ऊपर भी जो है 10% जो है आपको ऑफ है और साथ साथ जो है
जो इसकी जो प्रोसीजर्स की डील है उसके ऊपर 20% ऑफ है। उसके अंदर हेयर मीजो और हेयर पीआरपी मौजूद है, वो आपको हर सेशन में आपको ऑफ मिलेगा। तो आप दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं और सिंपल जो है एक प्रोडक्ट भी लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ करें तो वो जो है प्रोसीजर्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ख़ास उसको डिज़ाइन किया गया है, वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों के लिए। ये जो डील है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत, मतलब ज़ाहिर सी बात है उनको पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है, उनके पास टाइम भी कम होता है, उनके लिए हमारे पास फोमिंग क्लेंजर है, एक वाइटनिंग सी सीरम है और डे क्रीम है। बस ये तीन चीज़ें उनको हर तरह से महफूज रखेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ इसके ऊपर ख़ास स्पेशल डिस्काउंट है कि जो ये ले रहा है उसको 20% ऑफ है स्टूडेंट्स की वजह से। अच्छा। और इसके जो जो प्रोसीजर्स हैं वो है हमारा वाइटनिंग पील है, सॉरी वाइट अपना ग्लो ड्रिप है, उसके अलावा हाइड्रा है और हाइड्रा पील है। उन बच्चे बच्चियों के लिए ज़रा से स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो उनको अपने पॉकेट मनी के अंदर करना होता है। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं इनकी बड़ी कॉस्ट होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो है 30% ऑफ है। ग्रेट, ज़बरदस्त। और दोनों चीज़ें लेते हैं तो सोचें 50% आपको ऑफ मिल रहा है ऑल ओवर प्रोसीजर्स एंड आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने बात कर ली एंटी एजिंग की, हेयर की एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों की, बट एक चीज़ आती है कि वाइटनिंग सबको चाहिए, चाहे हम उसके कितना ही ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन हमें चाहिए कि एक फ्लॉलेस स्किन हो, एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट आ रहा हो। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो है वाइटनिंग एक कॉम्बो मौजूद है, वाइटनिंग एंड कॉलेज की डील है, उसके अंदर वॉश है, उसके अंदर सिरम है, उसके अंदर अपनी नाइट क्रीम है और वाइटनिंग मास्क मौजूद है। अच्छा, इसके ऊपर भी 10% ऑफ है, और इसके साथ साथ वाइटनिंग पील, आपका जो है वाइटनिंग रिप, और इसके ऊपर जो है आपको 20% ऑफ है। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी चीज़ें तो हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर आपको अलग से एक डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ में जो है प्रोसीजर्स के ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जी जो बाहर वाले हैं वो क्या करेंगे। तो इसके लिए कि प्रोडक्ट के ऊपर तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर जो प्रोसीजर्स को भी अवेल करना चाहते हैं तो एवरी मंथ जो है हम पूरे पाकिस्तान का ट्रिप कर रहे होते हैं। अच्छा। और तो और दुबई भी एवरी मंथ एवरी सेकेंड मंथ जा रहे होते हैं, तो वो लोग अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं, तो उनको वहाँ पे जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कोई अगर खाली कोई प्रोसीजर करवा रहा है उसके भी बताएं उसके लिए क्या डिस्काउंट, और अगर कोई खाली एम्कॉलरी की ब्रांड लेना चाह रहे हैं उसके लिए क्या डिस्काउंट। अच्छा देखिए निदा, ऐसा है कि न्यू ईयर की खुशी के अंदर अगर नया साल है, सब अल्लाह ताला खुशियाँ देखना नसीब करे, तो उसके लिए एम्कॉलरी की तरफ से जो डील्स के ऊपर डिस्काउंट हमने दिया, लेकिन अगर सिंपल कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी ले रहे हैं तो उसके साथ भी आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और प्रोसीजर के ऊपर जितने प्रोसीजर हमारे पास रसास वदा में हो रहे हैं उस पर 20% आपको ऑफ दिया जाएगा फॉर 3 डेज। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप इसको पूरा टोटली अवेल कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं, अपनी मेडिसिन अपने प्रोडक्ट बुक करवा सकते हैं, तो ये आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। ओके, ज़बरदस्त भाई। अब हम जो है ना एक एक चीज़ के बारे में बता देते हैं, पैकेज जो आपने बनाया। बिल्कुल। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अच्छी दफा से रिवाइज हो जाए। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये हाइलुरोनिक मिस्ट है, जो कि खासकर इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी होती है। उसकी वजह क्या है कि आपको एक जो है ना आपको प्लम्पनेस चाहिए होती है, आपको रिजुविनेशन चाहिए होती है स्किन की, कि स्किन हाइड्रेट रहे, फ्रेश रहे। तो हाइलुरोनिक मिस्ट जो है हाइलुरोनिक एसिड के साथ बना हुआ है और ये वाटर बेस है। स्किन को ऑयली नहीं करता, आपके पोर्स को जो है ना क्लॉग नहीं करता, आपके पोर्स ओपन नहीं होते, तो इसको आफ्टर एवरी वॉश आप लगा सकते हैं, तो आपके लिफ्टिंग के लिए भी काम करेगा और आपके स्किन को फ्रेश रखने के लिए, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि लाइक हेयर ग्रोथ का सबसे मसला है कि बहुत सारे लोग ऑयल्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, कि डिफरेंट अगर ऑयल नहीं लगाना चाहिए, हम कहते हैं ऑयल लगाओ, लेकिन लोग नहीं लगाते हैं, ऑयल को अवॉइड करते हैं। तो एम्कॉर्डिक ने अपने इसमें कोई ऑयल नहीं रखा हुआ, नॉर्मली हम सजेस्ट लाजमी करते हैं, बट इसके अंदर आपको जो टॉनिक मिलेगा ये वाटर बेस्ड टॉनिक है, और इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि आप इसको छोड़ेंगे तो बाल दोबारा गिर जाएंगे। आपने 3 मंथ्स लगाया, इंशाल्लाह 4th वीक में आपको न्यू हेयर ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाती है, और उसको 3 मंथ्स आपने कंटिन्यू रखना है, और उसके बाद अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। इसको सपोर्ट करने के लिए जो है ये सिरम है तो छोटी सी बोतल, लेकिन जादू की पुड़िया है ये, और इसमें सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स, लाइक रोज़ाना आपने सिर्फ 3 से 4 कतरे लगाने हैं, और ये 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं आपके बालों की रूट्स को जो है स्ट्रेंथन करते हैं, ताकत देते हैं, जिसकी वजह से जो नए बाल आते हैं वो मजबूती से अपनी जगह बरकरार रहते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यस, बहुत अच्छा, और इसके साथ वाइटामिन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लोग घबराते हैं
कि हम कोई विटामिन इस्तेमाल करेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। हाँ, ये पता नहीं क्या मिलता है भाई। अच्छा, होता है कुछ ऐसे विटामिन हैं, उनकी मतलब उनकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि वो आपको ताकत तो देते हैं, आपके अंदर जो भी कमी होती है उसको दूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट आपका पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली विटामिन खाने से थोड़ी भूख भी लगती है, भूख लगती है और आपको एनर्जी भी आती है और आप मतलब आपको अपना अच्छा फील हो रहा था, लेकिन कुछ विटामिन के साथ आपका वेट बढ़ने लगता है। तो ये वो विटामिन है जो कि आपने ट्वाइस अ डे यूज़ करना है और इससे वेट नहीं बढ़ता है, आपके सिर्फ बाल बढ़ेंगे और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास जो इसका फीडबैक है कि जितने एलोपेशिया के पेशेंट्स हैं या जो ट्रांसप्लांट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या जो बहुत मायूस हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो चीज़ है, ये है वाइटनिंग सी सीरम। अच्छा, इसको हमने वाइटनिंग सीरम का नाम नहीं दिया, इसको दिया वाइटनिंग सी सीरम। इसमें विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी के साथ जो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, लाइक आपका जो आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे कि खाली विटामिन सी जो स्किन को ड्राई भी करता है। तो इस वेदर में लोग कहते हैं अगर हम लगाएंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी, फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए। तो इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन को फ्लॉलेस करता है। इसको हर एज के और हर छाइयां खत्म करेगा। देखिए, जब विटामिन सी है तो आपकी स्किन को जब वो फ्रेश करेगा तो छाइयां थोड़ी सी फेड हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी इससे, लेकिन कम हो जाएंगी, उसको कवर करेगा। इसलिए विटामिन सी अपना काम कर रहा होता है। इसके साथ जो है हमारी जो एम्बीड डे क्रीम है और एम्बीड नाइट क्रीम है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। डे क्रीम जो है आपकी एसपीएफ के साथ मौजूद है और इसके साथ बीबी टिंट मौजूद है इसके अंदर। अच्छा। लाइक थोड़ा सा इसके अंदर सन प्रोटेक्शन कह लें या बीबी की लेयर्स एक हल्की सी मौजूद है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको डे टाइम में कोई और बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आपने इसको लगाना है, चाहे तो आप चीक टिंट लगा लें, ब्लशन लगा लें और ग्लॉस लगा लें। ये लगाने के बाद पूरे तैयार हो गए। आपको एक्स्ट्रा सनब्लॉक नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कुछ नहीं लगाना। लोगों को उलझन होती है ना, एक चीज लगाओ उसके ऊपर लगाओ, इतना सारा कैसे हम दोपहर की धूप में निकले, और बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या चीज मिक्स होके बनेगी। तो आपने सिंपल वॉश किया है, आपने हाइलुरोनिक मिस्ट लगाया है और उसके ऊपर आपने बीबी क्रीम, सॉरी, ये अपना बीट की जो है डे क्रीम लगा ली। आपको कोई सन ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं। आप मजे से पिकनिक पे भी जा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने बात की पिगमेंटेशन की, तो जो नाइट क्रीम है इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम ऐसे मौजूद हैं जैसे हम बापची की बात करते हैं, मूली के बीज की बात करते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, विनेगर है जो हमारे पिगमेंट को लाइट करता है। अच्छा। और ग्रेजुअली जो है उसको हल्का हल्का पील करता है। तो जब हम ये लगाना शुरू करते हैं तो हमारे चेहरे से स्पॉट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आप फ्लॉलेस लगते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही एग्जैक्टली बिल्कुल आपको पता है कि मैं ऐसे मुंह धो के कहीं भी चली जाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और अब तो सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि बेताशा मेल ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जिनके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत परेशान वगैरह पे जाने की वजह से, बिल्कुल उसकी वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से। और लड़के जो है जाहिर सी बात है मेकअप नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये कि आप दिन में नहीं लगा सकते तो रात को लगाइए, सुबह सिर्फ अपना कोई भी सनस्क्रीन लगाया और डेट्स इट। अच्छा, अब ये जो ऑफर आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त बताई है, ये आप कितने दिन के लिए ऑफर दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं जो स्पेशल बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं, तो ये 3 डेज के लिए। okay. और आपके रेफरेंस से देखें, मैंने कहा कि जो आ रहा है उसको 5% उसको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे जो आपका नाम लेके जीएमपी का नाम लेके आएगा। और आपने क्लिनिक के टाइमिंग्स भी बता दें। टाइमिंग जो है हमारे 6 डेज क्लिनिक ओपन होते हैं, मंडे टू सैटरडे, और सुबह 11 से शाम 7 बजे तक हम सब मौजूद होते हैं वहाँ पे। आप इजीली एड्रेस जो है सिंधी मुस्लिम पे है, सिंधी मुस्लिम PCHS ब्लॉक 2 के अंदर मौजूद है, रसास वदा के नाम से गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में या दुबई के जो पेशेंट्स हैं वो अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको भी एडवांस में नया साल मुबारक, अल्लाह करे और कामयाबी मिले। आमीन, जज़ाकअल्लाह। सो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा, इतना फन लविंग शो था। इसी तरह अपने न्यू ईयर को भी फन लविंग बनाए अपने प्यारों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के।